हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूँ वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड से रिलेटेड है, जिसको मैं प्यार से लिजेंड बोलूँगा। क्यों? क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इजी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हम कैसे पहचानेंगे, तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे बड़ी पहचान है वो दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आपका सेंट्रल मेटल होगा जो 99% डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। उसके बाद उस एलिमेंट को छोड़ करके जो भी मॉलिक्यूल्स बचा या आयंस बचे जो लोन पर डोनेट कर सकते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, वो सारे के सारे लिगेंड होंगे। तो लिगेंड आप कैसे पहचान लोगे? सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले होंगे मेटल को छोड़ करके, बाहर वाले लिगेंड में काउंट नहीं होते हैं। तो इसलिए लिगेंड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विच कैन डोनेट लोन पेयर, या तो वो लोन पेयर डोनेट करे या फिर पाई इलेक्ट्रॉन, तो उसको लिगेंड बोलेंगे। पहचान स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में होगा। क्लियर है? पॉइंट नंबर टू कि पॉलीडेंटेड लिगेंड किसको बोलेंगे। तो देखो पॉलीडेंटेड मतलब एक से ज्यादा डोनर साइट। तो जब भी एक से ज्यादा डोनर साइट एक ही मॉलिक्यूल में होगा तो जब वो डोनेट करेंगे तो ऑलवेज एक क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा। तो वो जो रिंग बननी चाहिए वो 5 मेंबर की बननी चाहिए या 6 मेंबर की, तभी आप पॉलीडेंटेड बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इथाइलिन डायमिन लिया, तो देखो ये नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करेगा और ये नाइट्रोजन मेटल को। तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 पांच मेंबर की रिंग बन रही है, तो इसलिए मैं इसको बोलूंगा पॉलीडेंटेड लिगेंड है। और पॉली में कैसा है, दो लोन पे डोनेट कर रहा है तो बाइडेंटेड बोलेंगे, तीन करता है एट ए टाइम तो ट्राई, चार करता है तो टेट्रा। तो पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एसीटेट आयन है तो यहाँ पे भी दो डोनर साइट है, बट अगर ये दोनों डोनेट करे तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 चार मेंबर की रिंग बन रही है जो कि स्टेबल नहीं होती है। इसलिए सिर्फ 5 या 6 मेंबर की रिंग डोनेट करने के बाद एक क्लोज स्ट्रक्चर 5 या 6 का बने तभी उसको पॉलीडेंटेड बोलेंगे, अदरवाइज उसको पॉलीडेंटेड नहीं मानेंगे, मोनोडेंटेड मानेंगे। तो इसलिए ये पॉलीडेंटेड नहीं है, ये मोनोडेंटेड है, जबकि ये पॉलीडेंटेड है। और पॉली में कैसा है, बाय, क्योंकि दो लोन पे डोनेट कर रहा है एट ए टाइम, तीन करता तो ट्राई, चार करता तो टेट्रा। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना, जब 5 या 6 बनेगा तभी पॉलीडेंटेड, अदरवाइज नहीं होगा। और ऑलवेज एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा डोनर साइट होगी, तो जब वो मेटल को देंगे तो जो एक साइड से ओपन था स्ट्रक्चर वो क्लोज हो जाएगा, तो ऑलवेज एक क्लोज रिंग बनेगी। पॉइंट नंबर 3, एक होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड को आप कैसे पहचानेंगे, वेरी सिंपल, इसमें एक से ज़्यादा डोनर साइट होगी बट एट ए टाइम कोई एक ही साइट डोनेट करेगा, बट एट ए टाइम ओनली वन साइट कैन डोनेट। तो जैसे फॉर एग्जांपल साइनाइड आयन, तो साइनाइड कैसे बना होगा, HCN, ये वाला H और ये वाला C का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो C ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया और H का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, राइट, तो ये निकल गया, तो C पे क्या आ गया, माइनस। तो अब इसमें देखो कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी, बट एट ए टाइम कोई एक ही करेगा। सर दोनों क्यों नहीं कर सकता, अगर दोनों करेगा तो ध्यान से देखो 3 मेंबर रिंग बन रही है 1 2 3 जो कि अनस्टेबल है। तो इसीलिए एम्बीडेंटेड में एक से ज़्यादा डोनर साइट है बट एट ए टाइम कोई एक ही करता है, बट जबकि पॉलीडेंटेड में एक से ज़्यादा डोनर साइट है और एट ए टाइम सब डोनेट करेंगे, तो दोनों में बिग डिफरेंस भी यही है, तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ पूछे नहीं पूछे आपको ये निकाल ही देना है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल का। कैसे निकालेंगे, सारे ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज का सम किसके बराबर हो जाएगा, जो चार्ज होंगे कंपाउंड पे। सिंपल बेसिक फार्मूला लगाना है, सम ऑफ ऑल द चार्जेज इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कंपाउंड। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर का भी निकालना हो तो वेरी सिंपल, आपको देखना है कि नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, वो नंबर आपको पता लग जाएगा लिगेंड के बाहर क्लोज स्ट्रक्चर में लिखा होगा कितने नंबर हैं, वो इनटू उसकी डेंटिसिटी जो अभी हम बात करेंगे, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा, जो कि 99% क्वेश्चन में आइदर 4 आएगा या 6 आएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में 4 या 6 का पढ़ना है, बट जरूरी नहीं 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डेट्स ओके। तो निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ लिगेंड को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी डेंटिसिटी से। तो ये 5 पॉइंट एकदम आपको क्लियर होना चाहिए, इस पे बेस मैं एप्लीकेशन लेकर के भी समझाऊंगा।
तो जैसा आपको समझ में आ गया कि इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट लिगेंड है, तो जितना लिगेंड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बस उतना ही आपको जानना है, ना तो उससे ज़्यादा ना उससे कम, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस इतने ही लिगेंड को ध्यान में रखना है। तो ध्यान से देखो, मैंने लिगेंड के फॉर्मूला लिखा है, उस पर कितना चार्ज है, डोनर आइटम कौन है, क्या वो रिंग या चिलेटिंग लिगेंड कहलाएगा कि नहीं, एम्बीडेंटेड होगा कि नहीं, आयु पैक नेमिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंस है उसका, तो आयु पैक नेमिंग क्या होगा वो हम देखेंगे, और सम ऑफ द एक्सप्लेनेशन कैसे वो आया। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, वन NH3 राइट, तो इस पे चार्ज जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज है। डोनर आइटम डेफिनेटली नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन तो कभी हो नहीं सकता, उसके पास लोन पेयर है नहीं, ये रिंग नहीं बनाएगा इसलिए चिलेट नहीं हो सकता, इसमें एम्बीडेंट की बात नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि दो डोनर साइट नहीं है, एक ही डोनर साइट है। इसका नाम आयु पैक में ध्यान देना है, अमाइन लिखना है डबल एम के साथ, ध्यान दे डबल एम के साथ अमाइन बोलना है, क्लियर है। दूसरा है लिगेंड हमारा वाटर H2O, अगेन न्यूट्रल है वो, न्यूट्रल लिगेंड कहलाएगा ये सब, चार्ज जीरो है, डोनर आइटम ऑक्सीजन है, चिलेट या फिर एम्बीडेंट तो होगा नहीं, कट है मतलब ये नहीं है, और इसका नाम रहेगा एक्वा, इसको बोलेंगे आयु पैक में एक्वा। नेक्स्ट थर्ड जो है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि अगेन न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बन डोनर है, अगेन चिलेट या एम्बीडेंट तो होगा नहीं, राइट, और इसका नाम रहेगा कार्बोनिल, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। चौथा हमारा PPH3, तो ये कैसे बना, तो विनो PH3, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फीन, तो तीनों हाइड्रोजन हटा करके आपने बेंजीन रिंग लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, जो यहाँ लिखा भी हुआ है, राइट, अगेन इस पे चार्ज जीरो होंगे, डोनर एटम फॉस्फोरस होगा, और ये चिलेट या एम्बीडेंट नहीं होगा। जो नेक्स्ट है डेट इज 5 CH2NH2, तो इस पे भी चार्ज जीरो है, न्यूट्रल लिगेंड है, राइट, दोनों डोनर आइटम नाइट्रोजन है, क्योंकि दोनों में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, दो डोनर आइटम है, इसलिए अब ये चिलेट बनाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, जब दोनों नाइट्रोजन डोनेट करेंगे एट ए टाइम, तो पांच मेंबर की रिंग बनेगी, पांच या छह स्टेबल होती हैं, तो इसलिए ये चिलेटिंग लिगेंड में आ जाएंगे या रिंग वाले में आ जाएंगे, एम्बीडेंट नहीं होंगे। नाम क्या हो जाएगा, 1-2, 1 पे भी अमाइन है, 2 पे भी, तो क्या बोलेंगे, दो कार्बन है तो इथेन 1,2-diamine, तो इसका नाम होगा इथेन 1,2-diamine, ध्यान से देखना, फिर से डबल एम है, AMINE मत लिखना, कई बार आयु पैक में इसमें भी फंसाया है। एंड लास्ट एक और न्यूट्रल NO, जीरो चार्ज है, न्यूट्रल लिगेंड है, नाइट्रोजन डोनर है, एम्बीडेंट या चिलेट तो नहीं होगा, इसका नाम होगा नाइट्रोसिल, और इसमें भी एक पॉइंट ध्यान रखना कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गए, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो ये सारे आपको लिगेंड 6 क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट एक्स माइनस डेट मीन्स हेलोजन कोई भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जो होगा वो डोनर हो जाएगा, माइनस वन चार्ज होगा, चिलेट तो नहीं होंगे, एम्बीडेंट नहीं होंगे, राइट, और नाम क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना जहाँ पे भी लास्ट में ई वर्ड आए तो ई को रिप्लेस कर देना किससे, ओ से, जैसे क्लोराइड होता है तो क्या बोलेंगे, क्लोरीडो, या फिर इसका एक और नाम चलता है क्लोरो, तो ध्यान देना लास्ट में ई को रिप्लेस कर देना ओ से। सिमिलरली साइनाइड, तो ई आ गया तो ओ कर देंगे तो साइनाइडो भी बोल सकते हो, या साइनो भी, या साइनेटो भी, राइट, ये सब नेम चलते हैं। तो इस पे माइनस वन चार्ज है, इसमें कार्बन भी डोनेट कर सकता है क्योंकि उसके पास भी, और नाइट्रोजन भी कर सकता है, चिलेट तो नहीं होंगे बट एम्बीडेंट होंगे, राइट, और आप कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान से देखो, आप नाम रखना साइनो या साइनेटो, उसके बाद अगर एन डोनर होगा तो साइनो एन, और अगर कार्बन डोनर होगा तो साइनो सी, आईयूपीएसी नेम में। और आपको कैसे पता लगेगा, तो मेटल के सामने कौन आ रहा है, जैसे यहाँ पे मेटल के सामने सी आ रहा पहले, तो ये साइनो सी हो जाएगा, यहाँ पे मेटल के सामने एन आ रहा पहले, जो मेटल से पहले सामने में आएंगे तो वो जाएगा, तो यहाँ पे साइनो एन होगा, यहाँ पे साइनो सी होगा, ये एम्बीडेंट है, ध्यान रखना। वैसे ही NO2- माइनस में माइनस वन चार्ज, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन दोनों डोनर हो सकते हैं, राइट, दोनों के पास लोन पेयर है, तो इसलिए एम्बीडेंट तो होगा, नाइट्राइट से ई हटा करके नाइट्रीटो, नाम क्या रहेगा, नाइट्रीटो एन या नाइट्रीटो ओ, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन सामने में है मेटल से तो नाइट्रीटो एन बोलेंगे, ऑक्सीजन होता तो नाइट्रीटो ओ, तो ध्यान रखना ये पॉइंट। सिमिलरली थायोसाइनाइड, तो थाया साइनेटो, सल्फर आ जाएगा तो थायो साइनेटो,
तो यहाँ पे भी माइनस वन चार्ज है। सल्फर या नाइट्रोजन दोनों डोनर हो सकते हैं, एम्बिडेंट हो गया ये भी। अब जैसे यहाँ पे सल्फर को सामने किया है तो क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो एस, और अगर नाइट्रोजन को सामने करते थे थायोसाइनेटो एन। नाम यही रहेगा सिर्फ, कौन डोनेट कर रहा है उसको आपको बता देना है। नेक्स्ट ओ एच माइनस, माइनस वन चार्ज, ऑक्सीजन डोनर, ये दोनों तो होंगे नहीं, तो इसको हाइड्रोक्सो भी बोलते हैं, या हाइड्रोक्साइड से ई हटा करके हो तो हाइड्रोक्सीडो भी बोल सकते हैं। एंड वैसे ही एस माइनस टू, माइनस टू चार्ज हो गया, सल्फाइड, सल्फर डोनर, तो सल्फाइड का ई हटा करके हो तो सल्फीडो। तो ये हो गए 12 आपके लिगेंड जिसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ऑक्सीलेटो, इसको ऐसे भी लिख सकता है C2O4-2 या OX लिख के दे देगा, इस पर माइनस टू चार्ज है, दोनों डोनर आइटम देख सकते हो ऑक्सीजन है, चिलेट बनाएगा, ये रिंग बन जाएंगी 5 मेंबर की, ऑक्सीलेटो आयुपैक नेमिंग होगा, और ये किससे बना, ऑक्सैलिक एसिड से, दोनों हाइड्रोजनों को हटा करके। सिमिलरली एसिटिक एसिड से एसिटेटो, तो ओ एसी भी लिख सकता है ओ, और इसको पूरा एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, ओ एसी, माइनस वन चार्ज, ऑक्सीजन डोनर, ये चिलेट तो नहीं बनाएगा, एम्बिडेंट भी नहीं होगा, एसिटेटो नाम हो गया, एसिटिक एसिड से बना है। और वैसे ही अमीनो एसिड वाले, तो ये ध्यान से देखो, अमीनो एसिड में क्या होता है, एक एसिड ग्रुप है एक अमाइन ग्रुप, तो एक नाइट्रोजन डोनर है और ये हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये माइनस, तो ऑक्सीजन डोनर है, तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन डोनर है, वो है छटने वजह से माइनस वन चार्ज है इसमें, तो इसको सिर्फ जी एल वाई लिख देगा आपको लिगेंड में, तो समझ जाना है ग्लाइसिनेटो है ये, नाम क्या हो जाएगा ग्लाइसिनेटो। एंड लास्ट डेट इज वेरी वेरी बिग 16 नंबर लिगेंड, डेट इज इथाइलिन डाइएमाइन, ध्यान देना यहाँ पे एक ही एम है, टेट्रा एसीटेट। तो ये कैसे बना, वेरी सिंपल, इथीन था राइट, उसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके दो एनएच टू लाए, तो इथाइलिन डाइएमाइन बना, नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन को हटा करके एसीटेट लाया, CH3 C डबल बॉन्डो और O माइनस एसीटेट लाया, तो कितने हैं ध्यान से देखो 1 2 3 4, इसलिए टेट्रा आया, एसीटेट आया। डाइएमाइन क्यों, क्योंकि दो नाइट्रोजन है राइट, और इथाइलिन, तो यहाँ से इसका बना है। अब इसमें शॉर्ट फॉर्म में EDTA लिख के देगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चार्ज कितना है देख सकते हो, माइनस फोर का चार्ज है, चारों ऑक्सीजन है इसमें राइट, डोनर आइटम टोटल 6 हैं जिसमें से दो नाइट्रोजन है आपका और चार ऑक्सीजन है, ये पूछा जा सकता है, ये रिंग बनाएंगे राइट, तो चिलेटिंग लिगेंड है ये पूछा जा सकता है। इसमें तीन रिंग एक प्लेन में बनेंगी और दो रिंग आउट ऑफ प्लेन, कैसे, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, तीन सिग्मा और एक लोन पेयर जो मेटल को वो देगा यहाँ से राइट, तो चार sp3 में दो ही बॉन्ड एक प्लेन में हो सकता है, तो अगर मैंने ये वाला माना और ये वाला, तो ये आउट ऑफ द प्लेन होंगे, इसलिए ये दोनों, और सिमिलरली इधर से ये वन, तो ये एक रिंग बना, एक इससे एक रिंग बनेगी और एक इस वाले से एक रिंग बनेगी, तो तीन रिंग ये जो एक प्लेन में होंगे, इस वाले का एंड इस वाले का रिंग आउट ऑफ द प्लेन होकर के आएगा, तो इसलिए टोटल 5 रिंग बनेंगे जिसमें से तीन एक प्लेन में, दो आउट ऑफ प्लेन होंगे। कभी भी किसी भी लिगेंड में कितना रिंग बनेगा वो कैसे, सिंपल स्ट्रिक्स आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ रिंग इज इक्वल टू उसकी डेंटिसिटी कितना है, -1, जैसे यहाँ पे इसकी डेंटिसिटी कितना है 6, एट ए टाइम 6 लोन पर डोनेट कर सकता है, -1, तो कितना हो गया नंबर ऑफ रिंग 5, जो आप देख सकते हो। और कहीं कहीं पर पाई बॉन्ड डोनेट हो सकता है अगर लोन पर नो, जैसा कि एल्कीन इसका एग्जाम्पल एथीन, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड डोनेट हो सकता है। तो ये इतने लिगेंड आपको ध्यान रखना है। नाउ एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 1 में BF4- में कोवेलेंसी, डैट मीन्स कितना बॉन्ड बना है, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कैसे बोला था ध्यान से देखो, इसका नहीं मालूम है तो X फ्लोराइड का आपको लिगेंड में बता रखा हो, तो प्लस 4 है इनटू इसका होता है -1, और टोटल चार्ज मॉलिक्यूल पर क्या दिख रहा है -1, तो यहाँ से X कितना आ जाएगा +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। कोवेलेंसी 4 फ्लोरीन, चारों सिंगल डोनर है राइट, तो 4 बॉन्ड बनेंगे, तो कोवेलेंसी हो जाएगा 4, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 ऑप्शन गिवन थे, किसमें एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है ऐसा पूछा गया, ऑक्सीलेट चिलेटिंग है, EN चिलेटिंग है, वाटर मोनोडेंटेड है, तो इसी में एम्बिडेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे NCS एम्बिडेंट है, यहाँ पे NO2 एम्बिडेंट है, यहाँ पे भी NO2 और NCS एम्बिडेंट है, तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का, CO न्यूट्रल लिगेंड है राइट, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा Fe पे, यहाँ पे वेनेडियम का निकालोगे तो 2+ है और ऑक्सीजन का 2-, तो
तो आप कैसे लिखेंगे, x माइनस टू इंटू वन, टू इज इक्वल टू टू, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन का माइनस 6, तो इस पे कितना आ जाएगा प्लस 6, टोटल सम करना है तो कितना हो गया आंसर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें नंबर ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड कितने हैं, तो ये तो नहीं होता इथिलीन डायमिन, HCN होगा, आइदर सल्फर डोनर या नाइट्रोजन डोनर, कितने नंबर दिख रहे हैं 4, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का बताना है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, सेम वाइज सोडियम फर्स्ट ग्रुप का प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका नहीं मालूम है तो x सम ऑफ ऑल चार्जेज इज इक्वल टू चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, इसका बाइपिरिडीन न्यूट्रल है कोई चार्ज नहीं है तो 0, Cl का माइनस 1 होता है, 4 Cl है तो माइनस 4 इज इक्वल टू चार्ज दिख रहा है नहीं 0, तो x कितना हो गया यहाँ से 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया आपको 3। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोला था, नंबर ऑफ लिगेंड, बाइपिरिडीन एक लिगेंड है इनटू डेंटिसिटी, देखो ध्यान से दोनों नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, 5 मेंबर की रिंग भी बन जाएंगी, तो इनटू डेंटिसिटी 2 प्लस Cl मोनोडेंटेड राइट, और 4 है तो 4 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 6, तो टोटल सम करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 9। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 6 में इस कंपाउंड में Ag के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम, तो ध्यान से देखो अगर ये दोनों जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली ये कैटायन होगा, ये एनायन होगा, इसके बारे में आपको मालूम है इस पे माइनस 1 होता है, दो हैं तो माइनस 2, तो Ag पे अगर मैं प्लस 1 लूँ तो राइट, वैसे भी Ag पे प्लस 1 होता है तो इस पे माइनस 1 आ जाएगा, और इस पे माइनस 1 है तो इस पे प्लस 1 आना चाहिए, तभी दोनों कनेक्टेड होंगे चार्ज होगा, तो अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो जो भी प्लस 1 है वो किसका है Ag का, तो Ag यहाँ पे दोनों में ही किस में है प्लस 1 में, तो सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 2। तो ये सारे PYQ हैं जो पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कितना EN रिक्वायर्ड होगा फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ NH3, तो यहाँ से ध्यान से देखो EN जो होता है वो बाइडेंटेट होता है, एक बार में दो देगा, और जो अमोनिया है आपका डैट इज अमाइन, तो ये मोनोडेंटेट है, तो ध्यान से देखो 4 है ये, तो इसके कितने रिक्वायर्ड हो जाएंगे 2, दो इथिलीन डायमिन लोगे तो 4 अमोनिया को वो रिप्लेस कर देगा क्योंकि ये बाइडेंटेट है, तो आंसर हो जाएगा 2। EDTA में कितने कोऑर्डिनेशन साइट है ये पूछा गया क्वेश्चन है PYQ में, तो यू नो 6 हैं, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, इथिलीन डायमिन टेट्राएसीटेट। क्वेश्चन नंबर 9 में इन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम बताना है, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 4 सोडियम है तो 4 प्लस, इसका नहीं मालूम है तो x, CN का माइनस 1, 5 है तो माइनस 5, NOS का माइनस 1 होता है राइट, तो आप निकाल सकते हो पहले वाले में 4 प्लस x माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना हो गया ध्यान से देखो 2, तो यहाँ पे आयरन प्लस 2 में आपका, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं आप कैसे 4 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आ गया 4 राइट, और यहाँ पे CO न्यूट्रल लिगेंड है कोई चार्ज नहीं तो यहाँ पे 0, तो टोटल सम कितना हो जाएगा ध्यान से देखो 4 प्लस 2 डैट इज 6, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 6। क्वेश्चन नंबर 10 में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है, तो Cl मोनोडेंटेट है तो 1, इथिलीन डायमिन बाइडेंटेट है तो 2 to the 4, तो आपको क्या ट्रिक बताया था, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी प्लस नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी, सबको सम कर दो तो कितना आ गया आंसर 5। इसमें अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ लिगेंड ध्यान से देखो 3 और डेंटिसिटी इसका ऑक्सीलेट है 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, तो पहले वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर 5, दूसरे वाले में 6। एक क्वेश्चन किस टाइप से बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे देगा, मैक्सिमम पॉसिबल डेंटिसिटी फॉर डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए मैक्सिमम कितना हो सकता है 6 तक कोऑर्डिनेशन नंबर जाता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 6, बट एफ ब्लॉक उससे ज़्यादा बना सकता है, टोटल डोनर आइटम काउंट करो 1, 2, 3 नाइट्रोजन का लोन पेयर 4, 5, 6, 7, 8, तो एफ ब्लॉक की मैक्सिमम डेंटिसिटी क्या हो सकती है 8 तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है ये देकर के इसकी डेंटिसिटी कितना होगा, तो ध्यान से देखो ये डोनेट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, इसमें कोई है ही नहीं लोन पेयर, यहाँ नाइट्रोजन के पास है, यहाँ नाइट्रोजन के पास है, तो दो ऑक्सीजन दो नाइट्रोजन से डेंटिसिटी कितना हो गया 4। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 13 में थोरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड ध्यान से देखो 4 इंटू डेंटिसिटी ऑक्सीलेट है बाइडेंटेट तो 2 प्लस वाटर के नंबर 2 मोनोडेंटेड है तो 1, तो कितना हो गया आंसर 10। तो ये सब पूछे गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में ये कंपाउंड गिवन था 3,
इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का बताना है। तो यहाँ पे वाटर न्यूट्रल हो गया, क्लोरीन पे एक माइनस होता है तीन क्लोरीन, तो तीन माइनस, तो क्रोमियम पे प्लस थ्री होगा। तो थ्री वाले ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, सारे हैं। दूसरे वाले में C6H6 बेंजीन न्यूट्रल लिगेंड हो गया, राइट, कोई चार्ज नहीं, तो क्रोमियम जीरो में होगा। तो जीरो वाले ये हैं और ये हैं, तो इसलिए ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। एंड यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका दो प्लस हो जाएगा, क्रोमियम का नहीं मालूम है, तो एक CN का माइनस दो हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ब्रैकेट में टू है, मतलब ऑक्साइड आयन है, राइट। तो कितना लिखोगे, टू टाइम्स ऑफ माइनस टू, और यहाँ पे दो ही हैं, तो प्लस माइनस टू, अमोनिया का क्या होता है, जीरो। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो तो सिक्स आ जाएगा आपको, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट कि कैनॉट एक्ट एज लिगेंड, तो लिगेंड का काम कौन नहीं कर सकता, जिसके पास लोन पेयर नहीं हो, CH4 के पास लोन पेयर नहीं है, ऑप्शन बी, बाकी सब कर सकता, राइट। प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में किस में है, क्रोमियम, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे ध्यान से देखो, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का माइनस टू, दो ऑक्सीजन है तो माइनस फोर, एक सीएल का माइनस वन, दो ऑक्सीजन है तो माइनस टू, तो यहीं पे क्रोमियम प्लस सिक्स में ऑप्शन ए हो जाएगा। बी में यहाँ पे देख सकते हो प्लस थ्री में आएगा, यहाँ पे भी प्लस थ्री में, यहाँ पे मैंगनीज को प्लस सेवन में, राइट। 17 में इस टाइप से दे दिया था, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड दो, डेंटिसिटीज का दो, प्लस नंबर ऑफ लिगेंड नहीं है कुछ तो वन, और डेंटिसिटी दो, तो कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए आपको वो सारे टेबल याद करवाया। ये ऑक्सीलेट माइनस टू होता है, NO2 पे माइनस वन, तो टोटल माइनस थ्री है, तो एलिमेंट पे कितना होना चाहिए, प्लस थ्री, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट 18 में ऑक्सीडेशन स्टेट, अमोनिया आपका न्यूट्रल लिगेंड, दो क्लोरीन पे दो माइनस, यहाँ पे एक प्लस है, राइट। तो कैसे लिखते हैं, x इसका तो जीरो ही हो गया, माइनस टू इज इक्वल टू चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल वन, तो x कितना हो जाएगा, थ्री, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा आपका थ्री। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, चार ऑप्शन गिवन था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड अराउंड ए मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड, राइट, ये आपको बता रखा हूँ पॉइंट में। इसमें अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है, एक पोटेशियम का एक प्लस, चार पोटेशियम है तो चार प्लस, निकल का नहीं मालूम है एक्स, सी एन का एक माइनस होता है, चार सी एन है तो माइनस फोर, चार्ज मॉलिक्यूल पे कुछ नहीं दिख रहा है तो जीरो, तो यहाँ से एक्स क्या आएगा, जीरो, डेट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये सारे पी वाई क्यू थे जो आपको मैंने सॉल्व करके बताया अपने ट्रिक से। जाते जाते ज्ञान की बात, और वेरी सिंपल है ये, होमोलिप्टिक का मतलब सारे लिगेंड सेम होना चाहिए, और हेट्रोलिप्टिक मतलब एटलीस्ट वन लिगेंड डिफरेंट होना चाहिए। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, चार ऑप्शन दे देगा, विच इज होमोलिप्टिक, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे ध्यान से देखो, सारे के सारे लिगेंड अमाइन है, तो यही हो जाएगा। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड है, इसमें भी दो डिफरेंट है, अमोनिया एंड क्लोरीन, इसमें भी दो डिफरेंट है, तो अगर डिफरेंट है तो हेट्रोलिप्टिक, और अगर सेम है तो होमोलिप्टिक। एंड पॉइंट नंबर टू, ई ए एन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये पूछा जाता है, तो कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, जो भी सेंट्रल मेटल होगा उसका एटॉमिक नंबर, उसमें से माइनस करना है ऑक्सीडेशन स्टेट को, विथ साइन पुट करना है, प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस, टू टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऐड कर देना है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसको टू से मल्टीप्लाई करके ऐड। तो अगर ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे ई एन रूल को फॉलो कर रहा है, और अगर नहीं आता है तो नॉट फॉलो। बट ये अप्लाई किस में नहीं करेंगे, कार्बोनिल वाले, सीओ वाले में, सीओ वाले में आई इक्वल या ना है उससे मतलब नहीं है, ऑलवेज फॉलो आपको लिखना है, क्यों, क्योंकि सीओ ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करके उसको कर ही देगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे K4FeCN6, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे प्लस टू, तो ये मेटल हो गया एटॉमिक नंबर 26, प्लस टू है तो माइनस दो कर दिया, विद साइन पुट कर करके, कोऑर्डिनेशन नंबर आप ध्यान से देखो 6 और इंटू टू, तो ये कितना आ गया ध्यान से देखो 36, जो कि आयरन का नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस हो गया क्रिप्टन, राइट, तो ये फॉलो कर रहा है ऐसा बोलेंगे हम। सिमिलरली यहाँ पे निकालोगे तो आयरन आ जाएगा आपका प्लस थ्री में, तो 26 माइनस थ्री, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इंटू टू, तो ये आएगा 35, जो कि इक्वल नहीं आ रहा 36 के, तो हम बोलेंगे ये फॉलो नहीं कर रहा है। और इसमें हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि लिगेंड कौन है, कार्बोनिल, तो ऑलवेज फॉलो कर रहा है भले वो करे या नहीं करे। बाय द वे यहाँ पे 25 और इसका 5 इंटू टू 10, 35 होगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि फॉलो नहीं कर रहा है, वो सी ओ यहाँ पे मैन फैक्टर क्रिएट करता है, वो खुद
जरूरत पड़ने पे ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होकर के उसको कर देगा। तो ये आपको मानना है कि ये 36 हो चुका है। तो आई होप ये लिगेंड के बारे में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आगे के लेक्चर एकदम ईजी हैं। हेलो एवरीवन, कसकाय, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूँ वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC नेम से रिलेटेड है, और इस ट्रिक से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे एंड बहुत फास्टली भी। तो ध्यान से देखिए, कभी भी नेम जब हमें लिखना होता है तो ऑलवेज पहले कैटायन का लिखते हैं, बाद में एनायन का, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो या कोई भी कंपाउंड हो, पहले ऑलवेज कैटायन का नाम लिखेंगे, बाद में एनायन का। जब आप कैटायन का नाम लिख रहे होंगे तो बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा जब तक के पूरा कैटायन का नाम कंप्लीट ना हो जाए, फिर उसके बाद गैप आएगा। फिर जब आप एनायन का नाम लिखेंगे तो पूरा एनायन का नाम जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको कोई भी गैप नहीं डालना है। पॉइंट नंबर वन क्लियर है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैटायन दो टाइप का हो सकता है, आइदर सिंपल कैटायन हो एंड कॉम्प्लेक्स एनायन हो। कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में होंगे, राइट। तो अगर सिंपल कैटायन है तो सिर्फ उसका नेम लिखना है, उसके नंबर नहीं बताना आपको, सिर्फ उसका नाम लिखना है एज यूजुअल। बट अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके लिए मैं बात करता हूँ। वैसे ही एनायन दो टाइप के हो सकते हैं, अगर वो सिंपल एनायन है तो सिर्फ उसका नाम लिखना है, अगेन उसके नंबर नहीं बताना है, एज यूजुअल जो नेम होते हैं वो लिख देना है, डेट्स इट। बट अगर कॉम्प्लेक्स है तो फिर हमें देखना पड़ेगा। तो अगर कैटायन कॉम्प्लेक्स हो या एनायन कॉम्प्लेक्स हो, दोनों के लिए सेम रूल है। रूल क्या है, रूल का पहला पॉइंट, जब कैटायन या एनायन कॉम्प्लेक्स होंगे तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ लिगेंड को बताएंगे। अगर दो हैं तो उसके लिए बाय वर्ड यूज करेंगे, तीन है तो ट्राई। एक ये पॉइंट हुआ, अगर लिगेंड के नेम में ऑलरेडी बाय या ट्राई वर्ड लगा हुआ है तब आपको फिर उसका नंबर बताने के लिए बिस या ट्रिस यूज करना है। पॉइंट क्लियर है, जब लिगेंड में ऑलरेडी बाय ट्राई लगा होगा और अगर उसके एक से ज़्यादा नंबर है तो उसके नंबर बताने के लिए बीस या ट्रीस, और इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम काउंट करेंगे बट इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं, पॉइंट पे ध्यान रखना। पॉइंट नंबर टू, उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड आपको लिखना है, अगेन अगर कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, डेट्स इट। पॉइंट नंबर थ्री, उसके बाद आपको नेम ऑफ सेंट्रल मेटल लिखना है, इसी ऑर्डर में जाना आपको, इसलिए मैंने लिखा है। सेंट्रल मेटल एटम को जब लिखेंगे आप तो अगेन दो पार्टें होंगी, अगर वो मेटल एनायन कॉम्प्लेक्स में है तो उसके लास्ट में एट वर्ड लगाना आपको, अगर एनायन में है तो एट। कैसे याद रखेंगे, ए फॉर एनायन और ए से स्टार्ट हो रहा है एट, एनायन में एट लगाना है। अगर वो सेंट्रल मेटल अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में है, डैट मीन्स ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे ऐसा कर करके इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या कोई चार्ज नहीं आ रहा है, ऐसे वाले पार्ट के अंदर अगर आपका मेटल है तो इन डैट केस यूजुअल नेम उसका लिखते हैं या फिर जो सजेस्टेड नेम होंगे वो आपको लिखना है। एंड लास्टली, उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल का बताना है, वो भी इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट के अंदर और रोमन नंबर में। ये सारे चार पॉइंट आपको ध्यान रखना है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स या एनायनिक कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को लिखने में। पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो, अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स हो या जीरो चार्ज हो, डैट मीन्स न्यूट्रल हो, तो जैसे कोबाल्ट को आप कोबाल्ट लिखेंगे, डैट्स इट। बट वहीं पर अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स में होगा तो एट वर्ड लगा देंगे, कोबाल्टेट। वैसे ही प्लेटिनम होगा तो प्लेटिनम, इधर लिखेंगे तो प्लेटिनेट, पॉइंट पे ध्यान रखना। Fe आयरन होगा तो यहाँ पे आयरन सजेस्टेड नेम में, राइट, बट वहाँ पे फेरेट। वैसे ही सिल्वर होगा तो सिर्फ सिल्वर, कैटायनिक या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में, और इसमें अर्जेंटेट। गोल्ड होगा तो सिर्फ गोल्ड, इसमें ऑरेट। तो ये ध्यान रखना है, और ये पांच ही आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब, ध्यान से देखो, यहाँ पे कैटायन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो ये आपका हो गया सिंपल कैटायन, SC मतलब सिंपल कैटायन, और ये पूरा का पूरा एनायन हो जाएगा क्योंकि पोटेशियम पे प्लस है तो इस पे माइनस आएगा 3, तो ये कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया, राइट। तो ये कैसा सॉल्ट हो गया, सिंपल कैटायन से बना और कॉम्प्लेक्स एनायन से, तो ये माइनस चार्ज आ गया इस कॉम्प्लेक्स पे, इसलिए अब आयरन में क्या लिखोगे आप, फेरेट वर्ड लिखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर इसको चेक करें तो पहले ये लिखा मतलब ये कैटायन है, इस पे प्लस 2, दो क्लोरीन पे दो माइनस है तो एक क्लोरीन पे एक माइनस हुआ, तो यहाँ पे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और सिंपल एनायन है, राइट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कैटायन कॉम्प्लेक्स है,
और सिंपल एनायन है। तो यहाँ पे कैटायन जब आपका कॉम्प्लेक्स है तो सिर्फ कॉपर वर्ड लिखना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो यही न्यूट्रल वाले हैं, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे आपका दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस, तो कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो डेट मीन्स सॉल्ट चार टाइप के हो सकते हैं, जिसमें सिंपल कैटायन हो, कॉम्प्लेक्स एनायन हो, कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, सिंपल एनायन हो, न्यूट्रल हो, या दोनों कॉम्प्लेक्स हो। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके स्क्वायर ब्रैकेट पे निगेटिव चार्ज आएगा तो एट वर्ड लगाना है, पॉजिटिव या जीरो चार्ज होगा तो एज यूजुअल नेम लिखना है। तो आई होप ये क्लियर होगा। नाउ अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, कैसे करेंगे, सिंपल ट्रिक से। यहाँ पे पोटेशियम कैटायन है, तीन है, तो यहाँ पे तीन माइनस आ जाएंगे, राइट। तो एनायन आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया तो लास्ट में एट वर्ड आना चाहिए। ध्यान से देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नहीं आ रहा है, यह भी नहीं होगा, ये दोनों में से हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो में आपका कहीं भी बाई वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो इसके नंबर बताने के लिए ट्राई यूज करना है, राइट। तो यहाँ पे ट्रिस यूज किया हुआ है जबकि यहाँ पे ट्राई यूज किया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। ऐसे आपको चेक करना है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, आंसर टिक करना है, ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू में हमसे पूछा गया अगेन 2020 में कि इसका आईपीएससी नेम क्या होगा। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, सीएल इधर बार है तो इस पर माइनस वन, तो इस पर प्लस वन। कैटायन आपका कैसा हो चुका है, कॉम्प्लेक्स, तो प्लेटिनम वर्ड यूज करना पड़ेगा, राइट। तो सब में प्लेटिनम है और सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो इससे काम नहीं बना, आगे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, अमाइन है, अमाइन में कोई डाई वर्ड नहीं आया, राइट, तो इसलिए डाई अमाइन यूज करेंगे। तो डाई अमाइन ध्यान से देखो, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ 20 हुआ, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, राइट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, तो डाई को हम नहीं लेते अल्फाबेटिकल ऑर्डरों में, तो ए को लेंगे, तो अमाइन तक आ गए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, क्लोरीन सी आएगा ए के बाद, तो क्लोरीडो, तो ये भी ठीक है, राइट। तो यहाँ पे एम यूज कर लिया है तो ये गलत हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है। उसके बाद ये कौन सा है, मिथेनामाइन इसको बोलेंगे, राइट, एल्केनामाइन आईपैक नेम, तो मिथेनामाइन होगा, एमिनो मिथेन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री 2012 में पूछा गया है कि डाई ब्रोमिडो बिस इथाइलिन डाई, क्योंकि यहाँ डाई लगा हुआ है इसलिए बिस वर्ड लगाया है, अमाइन क्रोमियम थ्री में है, ब्रोमाइड, राइट। तो इस कौन सा फॉर्मूला होगा, तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, ब्रोमीन कितना चाहिए आपको, डाई, दो ब्रोमीन चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं तो ये गया, यहाँ पे दो ब्रोमीन है, यहाँ पे चार है तो ये गया, यहाँ पे दो ब्रोमीन है। उसके बाद हमें इथाइलिन डाईअमाइन भी दो चाहिए, राइट, तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक ही है, तो ऑप्शन बी। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्यों, क्योंकि नोबेल प्राइज़ तो मिलेगा नहीं, बस चेक करो और आंसर पाओ, राइट। क्वेश्चन नंबर फोर में ये आपको गिवन था, इसका आईयूपीएसी नेम बताना है, 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये NO2 पे एक माइनस वन होगा, ये अमाइन है, राइट, न्यूट्रल लिगेंड है, जीरो चार्ज, दो क्लोरीन पे दो माइनस, टोटल माइनस थ्री है, तो इस पे कितना होगा, प्लस थ्री, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री वाले कौन है, ये हैं और ये हैं, तो इसलिए ये दो ऑप्शन गया। उसके बाद हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एन से स्टार्ट किया है, जबकि इस वाले में ध्यान से देखो आप, पी से, बट पी को तो पेंटा को तो हम लेते नहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो एक्चुअली में वो किससे, ए से, अमाइन से, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले एन नहीं आता है, पहले ए आता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा, राइट। पेंटा अमाइन नाइट्रीटो एन क्यों दिखाया, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे मेटल के सामने कौन आ रहा है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रीटो एन, अगर ऑक्सीजन इसी को ऐसे पलट कर लिखता ओ एन ओ तो नाइट्रीटो ओ हो जाता, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव में अगेन आईयूपीएससी नेम आपको बताना है, और वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका कैटायन पोटेशियम है तो ये एनायन होंगे माइनस थ्री, तो इसमें एट वर्ड आना चाहिए आयरन के लास्ट में, तो यहाँ पे एट आ रहा है, यहाँ पे एट आ रहा है, तो ये दो ऑप्शन गए, और ये तो वैसे भी गए क्योंकि ट्राई पोटेशियम लगा दिया, बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले का नंबर नहीं बताते हैं। अब क्या हो जाएगा, पोटेशियम छः है, हेक्सा साइनो फेरेट और ऑक्सीडेशन स्टेट अब निकालना है, तो यहाँ पे देख सकते हो आयरन किस में, प्लस थ्री में, तो इसलिए ये टू वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आपको करना वेरी इजीली।
नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्नर थ्योरी के बारे में, और अगेन ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस कई प्रॉब्लम आते हैं और ये बहुत इजी भी है। अकॉर्डिंग टू वर्नर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह की वैलेंसी होती है, एक को प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं और एक को सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी क्लियर होना चाहिए। प्राइमरी वैलेंसी से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का पता लगता है, जबकि सेकेंडरी से कोऑर्डिनेशन नंबर का पता लगता है, राइट। प्राइमरी वैलेंसी को आप कैसे पहचानेंगे, पॉइंट नंबर टू वेरी इंपॉर्टेंट, वो आयोनाइजेबल होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अगर बाहर में है तो वो प्राइमरी वैलेंसी है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है तो वो सेकेंडरी वैलेंसी है, इसलिए अंदर वाले कभी भी ब्रेक नहीं होते हैं, इसलिए नॉन आयोनाइजेबल। वेरी सिंपल, कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट पूरा एक यूनिट है, ये ब्रेक नहीं होगा, इसके बाहर वाले या इधर वाले ब्रेक होंगे, अंदर वाले कभी ब्रेक नहीं होते, इस पॉइंट पे ध्यान रखना है, इसलिए ये नॉन आयोनाइजेबल है। इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल भी होंगे, नॉन डायरेक्शनल क्यों, क्योंकि आयंस है, पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज, वो किसी भी डायरेक्शन से अटैच हो सकते हैं, बट ये डायरेक्शनल होंगे, क्यों, क्योंकि ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती हैं प्लस शेप को डिटरमाइन करने में काम आता है, इसलिए किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएगा, लाइक ऑक्टाहेड्रल होगा तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन से, स्क्वायर प्लेनर होगा तो एक्स वाई डायरेक्शन से, तो इसलिए ये एक प्रॉपर डायरेक्शन में आएंगी। नेक्स्ट, इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं जबकि इसको थिक लाइन से शो करते हैं अगर दिखाना हो तो, और ये सिर्फ और सिर्फ एनायन से सेटिस्फाई होंगे, ओनली एनायन हो सकता है प्राइमरी वैलेंसी, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी एनायन तो हो ही सकते हैं एज वेल एज न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकते हैं, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एप्लीकेशन बेस्ड, तो उस पर पॉइंट ध्यान दो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको चार ऑप्शन दे देगा, विच इज हैविंग मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिंपल आपको ब्रेक करके देखना है कितना आयंस मिलेंगे। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं तो तीन पोटेशियम और एक ये पूरा खुद, ये एक पूरा खुद, तो टोटल चार आयंस मिलेंगे। यहाँ पे बात करूं तो ये एक पूरा और तीन ये, तो यहाँ पे भी चार आयंस मिलेंगे, तो जिसमें जितना ज़्यादा आयंस मिलेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। इस टाइप के सिंपल आईक्यू वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और, इसका यूज कितना मोल्स AgNO3 रिक्वायर्ड होगा, तो जैसे अगर आप ध्यान से देखो AgNO3 का यहाँ पे इस केस में तीन मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, क्यों, क्योंकि तीन Cl बाहर है, जितना Cl बाहर होगा उतना मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर इस टाइप का कंपाउंड दे दिया, इसको हीट किए तो कितने वाटर का लॉस होगा, तो अगेन जो बाहर वाटर होंगे वही इवेपोरेट होंगे, अंदर वाले को नहीं करना। कई बार बोल रहा हूं मैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले पूरा होल एक यूनिट है, उसको ब्रेक नहीं करना है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। एंड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा कम होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ये चार एप्लीकेशन क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो अभी मैं लेकर के आपको क्लियर भी करता हूं। नाउ अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है जिसका मोलारिटी वॉल्यूम गिवन था, AgNO3 का मोलारिटी गिवन है, वॉल्यूम पूछा गया कितना रिएक्ट होगा। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, यहाँ पे दो क्लोरीन बाहर है, डैट मीन्स अगर मैं इसका एक मोल लिया, इस पूरे कंपाउंड का अगर एक मोल लिया तो दो मोल Cl- मिलेंगे, इसलिए इसका दो मोल्स रिक्वायर्ड होगा। तो दोनों के मोल्स को सेम कर देना है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.01 इंटू मोलारिटी 2, और ध्यान दे इसका दो क्लोराइड आयन मिलेगा, तो इंटू 2 करना नहीं भूले, तो ये राइट, ये टोटल आएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0.1 इंटू वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4 ml, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 ml, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका एक मोल लूँ तो दो मोल Cl- मिलेंगे, इसलिए इसके दो मोल्स रिकॉर्ड होंगे, इसलिए इस यहाँ पे 2 करना पड़ा, तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि ये एक कंपाउंड है, इसका मोलारिटी वॉल्यूम गिवन है, दूसरा कंपाउंड मोलारिटी वॉल्यूम गिवन है, दोनों को मिक्स किया, फिर दोनों का इक्वल पार्ट की रिएक्शन एक बार AgNO3 से कराया, एक बार बैरियम क्लोराइड से, तो Y और Z मिला है, तो YZ का आपको मोल्स बताना है। तो ध्यान से देखो, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, और यहाँ भी मोलारिटी इंटू वॉल्यूम गिवन है, दोनों का इक्वल मोलारिटी और वॉल्यूम मिक्स किया गया है, तो अब इसका मोलारिटी कितना हो जाएगा बताओ, सिंपल, चूंकि वॉल्यूम डबल हो गया है, मोल्स तो अभी वही रहेंगे, तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा 0.01, और इसका भी कितना हो जाएगा 0.01, राइट, मोलारिटी। अब इसका इक्वल वॉल्यूम लिया गया है, तो इसका मतलब इसका भी 1 लीटर लिया गया होगा, तो इसका भी 1 लीटर, क्योंकि टोटल 2 लीटर थे, तो इसका रिएक्शन जब आप AgNO3 से कराए तो Y मिला है, बैरियम क्लोराइड से कराए तो Z, तो ध्यान से देखो इसमें Br बाहर है, तो ये 1:1 रेशियो में ब्रेक होगा, तो एक Ag
NO3 एक ही मोल से रिएक्ट करेगा, और वैसे यहाँ पे ये भी 1:1 रेशियो में ब्रेक होगा, तो एक बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एक ही इस वाले सल्फेट से करेगा, क्यों, क्योंकि एक ही सल्फेट बार है, तो 1:1 रेशियो, दोनों के मोल सेम मिलेंगे, तो 0.02 तो हो नहीं सकता राइट, क्योंकि वो लिया ही था, तो हाफ होकर के 0.01 हुआ, इसलिए ऑप्शन बी होगा, ये तो अनइक्वल वाले हैं, तो ये हो नहीं सकता। ऐसे सिंपल आप IQ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था कि ये कंपाउंड अगर हमने लिया है तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होंगी, तो आपको बता रखा हूँ क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं, 5 और 1 क्लोरीन 6, तो 6 वाले ऑप्शन कौन है, ये दोनों, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3 आएगा, जो कि प्राइमरी वैलेंसी बताता है, 2 ये क्लोरीन और 1 ये क्लोरीन की वजह से भी प्राइमरी वैलेंसी आएगी, तो ऑप्शन के क्या हो जाएगा, डी। ध्यान दें यहाँ पे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती हैं, तो वो इनसाइड में है तो जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को रिलेट करने के लिए, बट मेजरली ये सेकेंडरी वैलेंसी का काम कर रहा है, और सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी हैव लाइक प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट भी इससे सेटिस्फाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1:1, तो यहाँ से आपको क्या कहना चाह रहा है कि बाहर में एक ही होना चाहिए राइट, तो इसको कैसे लिखेंगे, CO NH3 होल 4 Cl2, ये पूरा एक एंटिटी हो गया और Cl, तभी ये 1:1 रेशियो में ब्रेक होगा, तो इस टाइप से वर्ड फॉर्म में दे देता, अगर 1:2 बोलता है तो मुझे एक और सेल को बाहर करना पड़ता, 1:3 बोलता है तो मुझे 3 सेल को बाहर करना पड़ता, तो इस टाइप से दे सकता है आप प्राइमरी वैलेंसी, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो है ही, और ये 2 क्लोरीन की वजह से भी ऑक्सीडेशन स्टेट, तभी +3 आएगा, तो टोटल 3 प्राइमरी वैलेंसी का यहाँ पे काम कर रहा है राइट, जिसमें से 2 प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअली में सेकेंडरी वैलेंसी भी है, क्यों, क्योंकि ये लिगेंड का भी काम कर रहा है, तो इस पॉइंट को क्लियरली समझ लेना। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में कोई ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है इस टाइप का MCl3.2L, जहाँ L लिगेंड है, उसकी रिएक्शन AgNO3 से कराया, तो 1 मोल से 1 मोल ही AgCl मिला है, तो इसका मतलब वही पॉइंट हो गया, बाहर एक ही Cl होगा, अब तो ध्यान से देखो बाहर एक ही Cl होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, MCl2 और ये 2 लिगेंड अंदर में राइट, क्यों, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है, मतलब 6 बॉन्ड बनना चाहिए, 2 क्लोरीन के मोनोडेंटेड, तो लिगेंड को क्या होना पड़ेगा, इसका नंबर 2 है तो बाइडेंटेड, तो डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड इज बाइडेंटेड, तभी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, कैसे, 2 × क्लोराइड का मोनोडेंटेड प्लस इसके नंबर है 2 और × 2 होगा, तभी जा करके 6 आएगा, तो इस टाइप से आपको सिंपल IQ वाले प्रॉब्लम पूछे गए, जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ईजी वे में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड अगर एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्ट कर रहा है तो 3 मोल्स AgCl मिल रहा है, तो इसके 3 से 3 मोल्स मिल रहा है, मतलब 1 मोल से 1 मोल मिलेगा, इसका मतलब एक ही Cl बाहर होना चाहिए राइट, तो इसका मतलब इसको आप कैसे लिखेंगे, CO En whole 2 Cl2, ये सब अंदर में रहेंगे और एक Cl बाहर, तभी अगर इसका मैं 3 मोल लूँ तो 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे जो AgNO3 से रिएक्ट करेंगे, तो 3 मोल्स AgCl मिलेंगे, तो 1 क्लोरीन बाहर है, हमें सेकेंडरी वैलेंसी पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी का आंसर कितना हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 7 में कॉपर सल्फेट .5H2O सेकेंडरी वैलेंसी एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यू नो कॉपर +2 में यहाँ पे, तो कॉपर को 4 वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे और ये +2 चार्ज होने की वजह से सल्फेट बार .1H2O, तो यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड में, सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा 4 और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर एक ही बचा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाएंगे, बच्चे देख करके छोड़ देते हैं, ध्यान से देखो कि ये एक कोई कंपाउंड दे दिया है राइट, यहाँ पे ध्यान से देखो क्रोमियम है, 3 क्लोरीन है और ये 6 वाटर मॉलिक्यूल है एक्चुअली, उसको लिख दिया है H12O6, तो देख के डरना नहीं है, कॉन्क H2SO4 से क्या हो जाएगा डिहाइड्रेशन, तो 13.5% ओरिजिनल मास लॉस हो गया है, तो आपको बताना है कौन फार्मूला होगा, वेरी सिंपल, ध्यान से देखो पहले इसका टोटल मास निकाल लो, क्रोमियम का 52 गिवन था, 3 क्लोरीन है तो 105 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं तो 108, ये टोटल आप कर लो अप्रॉक्स में ये 265 आ जाएगा राइट, 265 का आप क्या निकाल लो 13.5% मतलब 14 ले रहा हूँ मैं अप्रॉक्स, तो ये हो जाएगा, तो 14 7 था और ये अप्रॉक्स में 36, मतलब कितना 36 ग्राम लॉस हुआ, 36 ग्राम मतलब 2 वाटर का लॉस हुआ राइट,
तभी 36 होगा। दैट मीन्स दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर होना चाहिए। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक भी नहीं है, ऑप्शन है गया। यहाँ पे तीन वाटर हैं तो 54 का लॉस होगा, इसलिए ये गया। यहाँ पे एक ही वाटर है तो सिर्फ 18 का होगा। यहाँ पे दो वाटर है तो ऑप्शन डी। तो इस टाइप से आपको देखना है कि कितना वाटर बाहर है। इनसाइड वाले को छेड़छाड़ नहीं करना है, क्लियरली समझ लो। वैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन 100 ml 0.1 मोलर COCl3.6H2O की रिएक्शन कराई गई एक्सेस ऑफ AgNO3 से, तो इतना AgCl के आयंस प्रिसिपिटेट हुए। तो ये गिवन है, मतलब यहाँ से हम मोल्स निकाल सकता हूँ। 1.2 × 10^22 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6 × 10^23, तो ये कितना हो गया 0.02 ये मिल रहा है। इसको निकाल लो तो ये मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से, मोलारिटी ध्यान देना आपका स्टैंडर्ड यूनिट में, तो वॉल्यूम को लीटर में ले जाना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.01। अब ध्यान दो कि इसके 0.01 से इसका डबल मिल रहा है, डैट मीन्स दो क्लोरीन बार होना चाहिए तभी ऐसा हो पाएगा। देखो कि इसमें दो क्लोरीन बार है तो नहीं है, इसमें गया, इसमें तो सारा इनसाइड कर दिया है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ दो क्लोरीन बार है तभी इसका एक से इसका डबल मिलेगा। सिंपल, यहाँ से रिलेट करो, यहाँ वन, यहाँ डबल, तो ऑप्शन सी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही है। तो इस टाइप के सिंपल IQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे PYQ हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसको आप कर सकते हो, क्योंकि हमने एक आपको प्रॉपर आइडिया दे दिया है। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको मालूम है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स हो चुका है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगर AG कहीं पे भी +1 में दिख गया तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है 2। सिमिलरली अगर प्लेटिनम या पैलेडियम अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 फिक्स है, और अगर वही दोनों एलिमेंट अगर +4 में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चेंज नहीं हो सकता, इसलिए ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड पॉइंट नंबर 2 कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस क्या है, तो डबल सॉल्ट में क्या होगा, जितने भी कैटायन और एनायन आप लोगे सबका आपको टेस्ट मिलेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में सम ऑफ द कैटायन या एनायन के टेस्ट मिसिंग होंगे। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट वाले जो सॉल्ट होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट से देखा जाते हैं, और इसके अंदर जो भी आ गया वो आप ब्रेक नहीं होगा, इसलिए इसके अंदर आने वाले कैटायन एनायन का टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, इसके बाहर वाले का मिलेगा। तो हम कैसे पहचानेंगे, वेरी सिंपल, ध्यान से देखो। पोटाश एलम, ये तीन आप रट लो या याद ही रखो, पोटाश एलम, कार्नेलाइट एंड मोर सॉल्ट, ये सब डबल सॉल्ट है क्योंकि इसमें पोटेशियम का टेस्ट मिलेगा आपको, सल्फेट का मिलेगा, एल्युमिनियम का मिलेगा, सब कैटायन एनायन के मिलेंगे, और एक से ज़्यादा कैटायन या एनायन होंगे तभी उसको आप डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे। वैसे यहाँ पे पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, इन सब का टेस्ट मिलेगा, यहाँ पे आयरन, सल्फेट, अमोनियम, इन तीनों का मिलेगा, तो डबल सॉल्ट बोलेंगे, इसको ध्यान में रखना है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होगा, एक्चुअली में ये कैसे एग्जिस्ट होगा, ये लिखने को ऐसे लिखा गया, लेकिन यू नो ये जो चार पोटेशियम है वो बाहर रहेगा, K4Fe CN6, ये हो जाएगा, तो आपको पोटेशियम का तो टेस्ट मिलेगा लेकिन आयरन का नहीं मिलेगा क्योंकि इनसाइड में, और साइनाइड का भी नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सिमिलरली इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉपर NH3O4, ये इनसाइड में चला गया, और ये सल्फेट, तो जनरली डी ब्लॉक वाले भी बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे अगेन कॉपर का टेस्ट नहीं मिलने वाला आपको, और अमोनिया का, सिर्फ सल्फेट का मिलेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, KAgCN2, तो यहाँ पे पोटेशियम का मिलेगा, सिल्वर और साइनाइड का आपको नहीं मिलने वाला है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की पहचान है कि उसमें सम ऑफ द आयंस के टेस्ट मिसिंग होंगे, जबकि इसमें सभी कैटायन और एनायन का मिलेगा, इतने ही को ध्यान में रखना बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूँ उस ट्रिक से आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग्स आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे, एंड बहुत फास्टली भी। अपने सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में पढ़ना है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे। तो चूंकि अपना कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स हो गया है 6, तो टोटल मैं 6 पॉइंट दूंगा, और उस पॉइंट को अच्छे से फिल भी करा दूंगा, क्योंकि वो 6 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को आप विद इन 1 मिनट में कर लोगे। तो पॉइंट नंबर 1 कि कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल, समेशन ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी।
नंबर ऑफ लिगेंड कोई भी बच्चे पहचान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो नंबर दिख जाता है राइट। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसके दो हैं, इसके भी दो हैं, तो नंबर ऑफ लिगेंड पहचान लेते हैं। डेंटिसिटी में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है, तो वो वेरी सिंपल है, आपको बस इतना लिगेंड के बारे में ध्यान रखना है। 99% क्वेश्चन में जो बाईडेंटेड लिगेंड होगा वो इथिलीन डाई एमाइन होगा, जिसको EN से रिप्रेजेंट करके भी दे सकता है। दूसरा ऑक्सिलेट, जिसको OX से रिप्रेजेंट करके दे सकता है, या C2O4। 99% क्वेश्चन में बाईडेंटेड यही दोनों होंगे। कभी कभी ग्लाइसिनेट GLY डेट इज अमीनो एसिड हुआ एक्चुअली, तो वो हो सकते हैं। तो ये तीन हो गए आपके बाईडेंटेड। हेक्साडेंटेड में एक ही है, इथाइलिन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट EDTA से रिप्रेजेंट करके दे सकता है। बाकी जो भी बच गया वो सब क्या है, मोनोडेंटेट। जैसे यहाँ पे अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना हो गया, 2 × डेंटिसिटी 1। क्यों? क्योंकि ना तो वो EN है, ना ऑक्सिलेट है, ना ही आपका EDTA, और यहाँ पे प्लस नंबर 2 है और EN है, EN का डेंटिसिटी 2, तो कितना आ गया, 6। तो एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपने कंफर्म कर लिया तो आपका शेप जो है वो फिक्स हो चुका है। आपको शेप ऑलवेज या स्ट्रक्चर ऑलवेज बताना ऑक्टाहेड्रल, जिसको आप स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोल सकते हो। और ये शेप कैसा है, तो वेरी सिंपल, आपको क्या मानना है कि आपका सेंट्रल मेटल एटम ओरिजिन पे है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का XYZ डायरेक्शन होता है, तो ओरिजिन पे आपका सेंट्रल मेटल एटम है, एक्स डायरेक्शन में दो लिगेंड है, एक प्लस एक्स में एक माइनस एक्स में, वाई डायरेक्शन में दो लिगेंड है, जेड डायरेक्शन में दो लिगेंड है। यहाँ पे जेड डायरेक्शन को मैंने ऐसे दिखाया, एक्चुअली वो कैसे होगा, बोर्ड के प्लेन के अप एंड बोर्ड के प्लेन के डाउन। तो ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आपके लिगेंड है, ओरिजिन पे आपका सेंट्रल मेटल एटम है। चूंकि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 99% वो भी डी ब्लॉक का होगा, तो वी नो कि जो डी ब्लॉक है उसमें डी ऑर्बिटल में 5 घर होते हैं, उस 5 घर में 3 घर या 3 ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस होता है, और 2 घर या 2 ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस होते हैं राइट। तो इन बिटवीन द एक्सिस वाले कौन कौन है, DXY, DYZ एंड DXZ राइट। जैसे यहाँ पे मैंने DXY को दिखाया है, तो मतलब वो XY एक्सिस के बीच में होगा 45 डिग्री एंगल पे, और जो एक्सिस वाले हैं वो DX2Y2 एंड DZ2 हैं, दोनों में स्क्वायर ही लगा हुआ है, तो ईजी है याद रखना, इसमें स्क्वायर नहीं है, सिंपल। और DX2Y2 मतलब XY एक्सिस पे है वो, जो यहाँ पे दिखाया है, DZ2 मतलब वो Z एक्सिस पे है। तो ये दो आपके, ये वाले दो ऑन द एक्सिस हैं और ये 3 आपके इन बिटवीन द एक्सिस हैं। तो एक्चुअल में क्या होगा, आप ध्यान से देखो आप खुद ही, कि लिगेंड भी आपका एक्सिस पे आ रहा है XYZ डायरेक्शन से, और आपके ये जो ऑर्बिटल है वो भी एक्सिस पे हैं, XYZ एक्सिस पे, इसलिए ये दोनों में आमने सामने की टक्कर होगी, जिसकी वजह से ये एनर्जी में ऊपर चले जाएंगे, और वो जो 3 घर जिसमें आमने सामने की कॉलिजन नहीं होगा, आमने सामने का टक्कर नहीं होगा, साइडवाइज टक्कर होंगे, तो वो कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब इस पॉइंट को मैं प्रॉपर फील भी करा देता हूँ, वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, आपको लिगेंड को क्या मानना है कि वो व्हीकल है, आइदर 2 व्हील वाला होगा या फिर 4 व्हील वाला होगा ओके। और जो ये डी ऑर्बिटल है, 5 घर है, तो उसको पर्सन मानो कि वो 5 पर्सन है, उस 5 पर्सन में 3 पर्सन एक नेचर वाले हैं जो कि इन बिटवीन द एक्सिस वाले हैं, और 2 पर्सन एक नेचर वाले हैं जो कि ऑन द एक्सिस वाले हैं। तो सीन क्या, वेरी सिंपल, 5 पर्सन कहीं घूमने जा रहे थे और उसके सामने कौन आ गया, व्हीकल आ गया, तो वो 5 पर्सन में वो 2 पर्सन जो व्हीकल के सामने ही आ गए एग्जैक्टली राइट, तो वो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर ही चले जाएंगे राइट। तो इसलिए उसको ऊपर ड्रॉ किया है, याद कैसे रखेंगे, ईगो वर्ड से, ईगो में ईजी आ रहा है, ये 2 घर हैं, यहाँ पे 2 लेटर है, ईजी उसका नाम है, और यहाँ पे 3 घर हैं, यहाँ पे 3 लेटर है T2G, जिसको प्यार से चिंटू जी भी बोल सकते हैं। तो बात समझ में आ गई कि व्हीकल से ये 5 पर्सन टकराएंगे, तो वो 2 पर्सन जो व्हीकल के सामने आ जाएंगे वो ऊपर चले जाएंगे, और वो 3 पर्सन जो साइडवाइज टकराएंगे वो नीचे आ जाएंगे, डैट मीन्स वो हॉस्पिटल में जाएंगे और ये
भगवान के पास। आप खुद ही सोचो कि अगर ये व्हीकल भारी हो गया, जैसे ट्रक बस हो गया, तो फिर ये पर्सन और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, हो सकता है प्यारा ही हो जाए भगवान को, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो तरह की स्प्लिटिंग दिखाई है, एक वीक फील लिगेंड। वीक फील लिगेंड का सेंस क्या है कि अगर वो व्हीकल मोटरसाइकिल है तो फिर आपका जो टक्कर होगा तो उसकी वजह से वो जो दो लोग हैं ईगो वाले वो ऊपर तो जाएंगे ही, राइट, चोट तो उनको आएगी लेकिन उतना भी ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वही व्हीकल सपोज कर लेते हैं वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड हो गया, राइट, दैट मीन्स बस हो गई या ट्रक हो गई, तो फिर वो दोनों बंदा ऊपर ही चला जाएगा। इसलिए उसका देखो ध्यान से मैंने बहुत ऊपर दिखाया, राइट, और जितना ऊपर ये जाएगा उतना ही नीचे ये भी आएंगे, राइट। तो वेरी सिंपल है, सीन समझ में आ गया कि 5% में से टक्कर हो रही है उनकी व्हीकल से। तो अगर वो व्हीकल लाइट वेट है तो फिर ज़्यादा गैप नहीं होगा, डैट मीन्स लाइट वेट का मतलब क्या है, वीक फील लिगेंड है। वीक फील लिगेंड हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें भी ऑक्सीजन डोनर हो, हैलोजन डोनर हो, सल्फर डोनर हो, ये सब वीक फील लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड आप कैसे पहचानोगे, जिसमें भी कार्बन डोनर हो, नाइट्रोजन डोनर हो, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। उसको भी अगर याद रखना तो सी से कान, एन से नाक, कान और नाक वाले जो हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड डोनर है, क्योंकि ये दोनों चीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सेंसिटिव है। और यहाँ पे कैसे आ सकते हो, ओ से और हैलोजन से हाथ, और हाथ जो है वो आपका वीक फील्ड लिगेंड है, कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये वीक फील्ड वाले हैं इसलिए स्प्लिटिंग कम होगा, क्यों, क्योंकि ये वीक अगर व्हीकल होंगे, डैट मीन्स लाइट वेट व्हीकल होगा, तो टक्कर जो होगी उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर वही स्ट्रॉन्ग व्हीकल हो गया, डैट मीन्स बस या ट्रक हो गए, तो फिर वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो स्प्लिटिंग आपको बहुत ज़्यादा गैप करना है, बात यहाँ तक क्लियर हो गई। तो ये है मेरा पॉइंट नंबर 2। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को भी आप सिंपल ऐसे फील कर सकते हो, ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो राइट, तो ये है आपका ऑक्टाहेड्रल शेप, जिसमें से तीन पेंसिल हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में, राइट, और तीनों का जो मीड पॉइंट है वहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट होगा 99%, राइट। हर पेंसिल का दो इंड पॉइंट है, वहाँ पे कौन होंगे, लिगेंड। तो ये है आपका ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से अगर डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं तो ऊपर से 4 डॉटेड लाइन ड्रॉ होंगी, राइट, एक्स वाई प्लेन में, और नीचे से 4 होंगी, तो टोटल 8 डॉटेड लाइन होगा, इसलिए ऑक्टा वर्ड आ रहा है, बट बॉन्ड यहाँ पे ध्यान देना 6 ही हैं। नाउ पॉइंट नंबर 3, आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद आपको उसमें देखना है कि उसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, राइट। चूँकि सेंट्रल मेटल एटम 99% आपका 3D सीरीज का होगा, तो उस केस में हमने डायरेक्टली आपको बोल रखा है कि उस सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देना है 18 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से आपको क्या आ जाएगा कि उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, राइट। और अगर वो 3D सीरीज का नहीं हुआ, 4D 5D का हुआ, तो आपको आइडिया दे रखा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, पहले S से इलेक्ट्रॉन निकालना है, फिर D से अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक बार आपको पता लग गया कि D में कितना इलेक्ट्रॉन है तो उसको यहाँ पे फिलअप करना अपने को। ऐसे क्यों स्प्लिट किया, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक में लिगेंड नहीं था, इसलिए वो ऑर्बिटल आपका ऐसे ही था। इसको बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल, डैट मीन्स सबकी एनर्जी सेम है, लेकिन जब लिगेंड आ जाएगा तो ये स्प्लिट हो जाएंगे। अगर वीक फील्ड होगा तो ये T2G और EG का गैप कम होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो ये T2G और EG का गैप ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अभी आपको समझाया, अगर वो भारी व्हीकल से टकराया तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और अगर लाइट व्हीकल से टकराया तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, राइट। तो आपको डी ऑर्बिटल को इस तरीके से T2G EG में ब्रेक कर देना है। अब उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है अकॉर्डिंग टू कि आपके डी में कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर डी में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, आइदर 1 है या 2 है या 3 है, तो उस केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1, 2, 3 सिंगल सिंगल पहले भरे जाएंगे, तो ये इसी T2G में आएगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी 1, 2, 3 इसी में भरे जाएंगे, राइट। तो इसलिए
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस केस में हाइब्रिडाइजेशन फिक्स हो गया है D2sp3। क्यों D2sp3? क्योंकि ऊपर वाले दोनों के D क्या होंगे, खाली होंगे, तो पहले वो यूज होंगे, तो दो D के, एक S के, तीन P के, टोटल 6 ऑर्बिटल यूज हो गए, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर भी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर डी कौन सा यूज हुआ, तो वो भी आपको क्लियर है कि DX2Y2 और DZ2 ऑन द एक्सिस वाले यूज होंगे। क्यों? क्योंकि यही टक्कर की वजह से ऊपर गए थे। ये दोनों जो ईजी वाले हैं वो कौन है, DX2Y2 और DZ2, राइट। सिमिलरली अगर डी में 8 इलेक्ट्रॉन बचता है आपके, या 9 या 10, तो उस केस में भी स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप ऐसे भरो या ऐसे भरो, दोनों ही केस में फीलिंग सेम आने वाली है। इसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन आपका, चूंकि अब ये ऊपर वाला भी डी भर चुका है, तो अब इस डी को यूज नहीं कर सकते, बाहर वाले आउटर वाले डी को यूज करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन इसका फिक्स हो जाएगा। मेनली जो स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड का जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो कब होगा, जब 3d सीरीज का एलिमेंट हो, ध्यान दे 3d सीरीज का एलिमेंट हो और डी में इलेक्ट्रॉन 4 से लेकर के 7 हो, तभी आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड का कंसेप्ट लगाना है। तो अगर 3d सीरीज का एलिमेंट है, ध्यान दे 3d सीरीज का मतलब 4d सीरीज के होंगे एलिमेंट, 5d के होंगे, तो कुछ भी नहीं सोचना है। उस केस में सारे के सारे लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। ओनली 3d सीरीज का एलिमेंट होगा और डी में अगर 4 से 7 इलेक्ट्रॉन उसके बच रहे हैं, तब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड का कंसेप्ट आपको लगाना है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में चूंकि ये गैप बहुत ज़्यादा होगा, तो ये जो एनर्जी है डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाइडल, वो ज़्यादा हो जाएगी पेयरिंग से, राइट। तो इसलिए यहाँ पे पेयरिंग करना पसंद करेगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन आपको यहीं भरना है। इसलिए मैंने क्लियरली लिखा है, ये सब नंबर इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर वाइज है, सीरियल वाइज है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन आपका यहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग फील होगा, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन भी यहीं आएगा और छठा इलेक्ट्रॉन भी यहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये गैप बहुत ज़्यादा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा पाएगा, तो वो पेयरिंग करना पसंद करेगा। इसलिए यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल का गैप अगर ज़्यादा है पेयरिंग से, तो फिर पेयरिंग करेगा। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल का गैप कम है पेयरिंग एनर्जी से, यहाँ पे उल्टा है, तो इसलिए आपका चौथा इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे तो D2sp3, क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इधर भरेंगे तो ऊपर वाला खाली रह जाएगा आपका, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। और इस केस में हम उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डी जो यूज हो रहा है वो उसी वाला इनसाइड वाला डी यूज हो रहा है, राइट। तो इनर और लो स्पिन क्यों बोलेंगे, क्योंकि पेयरिंग होगा तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो स्पिन कम होता जाएगा, तो इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। सिमिलरली अगर वीक फील्ड हुआ तो ये गैप कम होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे अभी भी, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाई स्पिन। चूंकि ये डी यूज हो गया, इलेक्ट्रॉन है ही इसमें, हमें खाली घर चाहिए, तो वो खाली घर है नहीं, तो इसलिए बाहर वाला डी यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3d2। ध्यान दें यहाँ पे बाहर में डी है, लास्ट में डी है, यहाँ पे पहले डी है। अब इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि कौन डी जनरेट ऑर्बिटल के सेट हैं, तो डी जनरेट ऑर्बिटल के सेट कौन है, T2g वाले, DXY, DYZ, DXZ, इन तीनों की एनर्जी सेम है। डी जनरेट ऑर्बिटल मतलब सेम एनर्जी, या फिर ईजी वाले, दैट इज DX2Y2 और DZ2, ये डी जनरेट ऑर्बिटल होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ले सकता है T2g Eg, क्योंकि यहाँ पे बेटा अगर मैं क्वेश्चन कराने जाऊँ तो वीडियो लेक्चर का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सारे कंसेप्ट को पहले समझा दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या पूछा जा सकता है T2g और Eg में, कैसे कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं T2g में बताओ, तो D में कितना इलेक्ट्रॉन है, आपको भरने का तरीका बता दिया है, काउंट करके आपको बता देना कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या फिर T2g में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन पे ध्यान देना, अनपेयर्ड पूछ रहा है, पेयर्ड का पूछ रहा है, तो ये सब क्वेश्चन पे ध्यान देना है। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g Eg बताओ ऐसा, या डिफरेंस बिटवीन T2g Eg बताओ, कुछ भी इस टाइप से पूछ सकता है, क्योंकि सबका कंसेप्ट वही है, राइट। पूछने के तरीके इन्फिनाइट हो सकते हैं। T2g में अगर m इलेक्ट्रॉन है, Eg में n है, तो m+n की वैल्यू बताओ, या m-n, या m/n, कुछ भी इस टाइप से, या m(n) बताओ इंटीजर टाइप में, यही सब पूछा जा सकता है। या फिर किसमें सिमेट्रिकल फील्ड हुआ है, सिमेट्रिकल फील्ड होने का मतलब T2g में 111 है और Eg में भी 11 है, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक। डैट मीन्स इसका मतलब T2g में 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो उसको सिमेट्रिक फीलिंग बोलेंगे। या फिर
डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ इस टाइप से, तो टी टू जी में काउंट कर लो कितना इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि चार इलेक्ट्रॉन है तो टी टू जी फोर, ई जी में मान लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन है तो ई जी टू, ऐसा आपको लिख करके चार ऑप्शन क्रिएट कर देगा। तो इस टाइप के आपको एप्लीकेशन प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। एक और एप्लीकेशन कैसे ले सकता है कि मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड कि उसकी वैल्यू बताओ। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कैसे निकालते हैं, रूट अंडर ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, लेकिन इस फॉर्मूले को हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको दिख जाएगा कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भरने के बाद। तो जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो कि वो एक्स आ रहा है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू एक्स पॉइंट समथिंग कर देना और सेवन से बड़ा रखना, एक्स पॉइंट सेवन, एक्स पॉइंट एट, एक्स पॉइंट नाइन, क्योंकि वो क्लोज टू फिर उधर ही जाएगा, राइट। जैसे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वन है तो 1.73 आ जाएगा, 2 है तो 2.89 ऐसा कर देना, 3 है तो 3.9 कर देना, तो वो वाले ऑप्शन को टिक कर देना आपको। दूसरा इसका उल्टा भी पूछा सकता है कि मैग्नेटिक मोमेंट इतना है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो डेसिमल से पहले जो नंबर होंगे वही अनपेड इलेक्ट्रॉन को बताएगा। और कैसे पूछ सकता है कि चार ऑप्शन दे दिया, विच कैन बी अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, विच कैन बी अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस टाइप से, तो बात वही है, या विच कैन रेस्पॉन्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वही कहना चाह रहा है कि कौन पैरा मैग्नेटिक है। पूछने का अगेन वही बोल रहा हूँ, तरीका अलग होगा, कंसेप्ट सेम ही रहेगा। या फिर ऑर्डर बताओ उसके मैग्नेटिक मोमेंट का, या अनपेड इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर बताओ, चार ऑप्शन दे देगा, या फिर कौन पैरा मैग्नेटिक होगा इसमें, कौन डायमैग्नेटिक होंगे, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो बताओ, डिफरेंस बताओ, तो ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जो एक पॉइंट है डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। अगर आपको चार ऑप्शन दे दे और पूछा जाए कौन डायमैग्नेटिक है, तो डायमैग्नेटिक सिर्फ दो होंगे, डी में सिक्स इलेक्ट्रॉन है, डी सिक्स कॉन्फ़िगरेशन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो डाया होगा, और अगर डी में टेन इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डी टेन में कोई भी लिगेंड हो, डी सिक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तभी डाया होगा, रेस्ट ऑल द केसेज में वो पैरामैग्नेटिक होगा। अब यहाँ पे मैं टोटल सिक्स प्रॉब्लम लिया हूँ और वो छः प्रॉब्लम से आपके सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्रोमियम मेरा सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पे वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्यों? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन डोनर है, साइनाइड में आपका कार्बन या नाइट्रोजन डोनर है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट वो निकालोगे तो आ जाएगा प्लस थ्री, राइट। तो D में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर 24 माइनस 18 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो D में कितना आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। D में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी सेम वही है, क्रोमियम आपका प्लस 3 में, D में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो D में 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, ध्यान से देखो, अगर वीक फील्ड होगा तो 1, 2, 3 तीनों का तीनों आपका टी टू जी में जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ भी तो भी कहाँ जाएगा, ध्यान से देखो, 1, 2, 3। इसलिए मैंने बोला डी में एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, तीन इलेक्ट्रॉन हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वीक फील्ड हो, फर्क नहीं पड़ता है, सेम फीलिंग रहेगी। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, तो वो आपकी आंखों के सामने हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, तो क्या रहेगा, D2sp3। क्यों? क्योंकि ये डी खाली है, यहाँ भी देख सकते हो ये डी खाली है हमारा। T2g में इलेक्ट्रॉन बताओ तो कितना हो जाएगा, 3। Eg में इलेक्ट्रॉन बताओ कितना हो जाएगा, 0। T2g में अनपेड इलेक्ट्रॉन तो भी 3। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बताओ तो 3.89, क्योंकि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है, पैरामैग्नेटिक होगा तो यस पैरामैग्नेटिक है, राइट। तो ये एक कंसेप्ट हुआ। दूसरा इस टाइप के जहाँ पे डी में 8 या 9 या 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे यहाँ पे निकेल का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो निकेल आ जाएगा आपका प्लस 2 में, प्लस 2 में मतलब डी में 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे, निकेल का 28 माइनस 18 तो 10 बचा, उसमें से दो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करेंगे, देखो 1, 2, 3 वीक फील्ड है तो चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, फिर 6, 7 और 8। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया तो कैसे भरेंगे, 1, 2, 3 फोर्थ यहीं आएगा, राइट, 4, 5, 6 और फिर 7 और फिर 8। तो भरने के बाद ध्यान से देखो वही सेम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी T2g में 6 इलेक्ट्रॉन, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी T2g में 6 इलेक्ट्रॉन, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए D8, D9, D10 कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रांग हो या वीक हो, वहाँ पे आपको सोचना ही नहीं है। फिर अगेन क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, सेम वही हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना पड़ेगा sp3d2, क्यों, क्योंकि ये D में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है जबकि हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, इसलिए ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे क्योंकि बाहर वाले D यूज
हो रहे हैं, राइट। टी टू जी में कितने इलेक्ट्रॉन है पूछा जाए तो 6। ई जी में कितने हैं 2। ई जी में अनपेयर्ड कितने हैं तो भी 2। टी टू जी में अनपेयर्ड कितने हैं तो 0। टी टू जी में पेयर्ड कितने हैं तो 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो इस टाइप से कुछ ही पूछ सकता है। म्यू बताओ मैग्नेटिक मोमेंट तो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 2 अनपेयर्ड है। पैरा मैग्नेटिक है, यस पैरा मैग्नेटिक होंगे। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूछने का उसका तरीका बहुत सारा हो सकता है, कंसेप्ट वही रहेंगे। और इसलिए मैंने ध्यान से देखो, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला जैसे ही क्वेश्चन आया, आप डी के 5 घर को 3-2 में डिवाइड कर दो। स्ट्रांग होगा तो गैप को बढ़ा दो, वीक होगा तो गैप को कम कर दो। डी 1-2-3 होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, डी 8-9-10 होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा, डी 4-7 में होगा। तो उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, ध्यान से देखो। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, +2 होने मतलब डी में इसके 6 इलेक्ट्रॉन, कैसे 26 है एटॉमिक नंबर, 18 माइनस करोगे तो 8 बचा, और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है वो 2 माइनस करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन। डी में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, वाटर वीक फील्ड है तो 1-2-3 वीक फील्ड होने की वजह से चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा 5 और 6, राइट। लेकिन वही यहाँ पे साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन 1-2-3 तक तो ऐसे ही भरेंगे, लेकिन 4 यहीं पे आएगा, 5 भी यहीं पे, 6 भी यहीं पे। अब देखो क्लियर डिफरेंस है इसमें, राइट। यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, EG में 0 है, जबकि यहाँ पे T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है और EG में 2 है। तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है कि T2G में कितने हैं, EG में कितने हैं, कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है T2G में। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में T2G में 3 पेयर्ड हैं, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। यही पॉइंट हमने बताया था कि D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो ऑलवेज डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे पेयर्ड हैं, जबकि यहाँ पे ये पैरा मैग्नेटिक होगा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 हैं, यहाँ पे कितने हैं तो 0 हैं, राइट। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो D2sp3, क्यों, क्योंकि ये D खाली है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में बनते हैं। यहाँ पे ये D भर गया है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। तो इस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो बता दो। तो यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो इस टाइप से पूछ सकता है, डिफरेंस बताओ। तो कुछ भी पूछ ले, सबका जो मेजर कंसेप्ट है वो आपकी आंखों के सामने बोर्ड पे है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला देखे, डी ऑर्बिटल को ऐसे डिवाइड कर दो और डी में इलेक्ट्रॉन निकाल करके भर दो, सारे क्वेश्चन का आंसर आप क्विकली कर सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा वो वेरी इंटरेस्टिंग होगा, वेरी इजी एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्यों, क्योंकि इस कंसेप्ट से मिनिमम 2 क्वेश्चन जेईई या नीट के एग्जाम में आएंगे ही, इसलिए इस ट्रिक को अच्छे से समझ लेना है। वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो हमने बोला था कि टोटल 6 पॉइंट मैं आपको दूंगा, राइट। जिसमें से 3 पॉइंट हम ऑलरेडी पहले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट 3 पॉइंट इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए पॉइंट नंबर 4 की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान देना, माइनस साइन लगा हुआ है। माइनस में 0.4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस 0.6 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, और इस पूरे को होल ब्रैकेट है, इनटू में डेल्टा ओ। व्हाट इज डेल्टा ओ, डेल्टा ओ ओ स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में या तो दे देगा या आंसर इसी के टर्म्स में पूछा जाएगा। नाउ आपको 0.4 0.6 एक फिक्स नंबर है, ध्यान देना है, उसके आगे माइनस साइन है, इसके आगे प्लस साइन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G और EG में काउंट करके यहाँ पुट कर दोगे, आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगा। आपको मैंने क्लियरली बता रखा है कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है सेंट्रल मेटल एटम का, उसमें 2 कैटेगरी हैं, 3 ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस हैं, 2 ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस है। हमारा जो लिगेंड है वो भी XYZ ऑन द एक्सिस पे, तो आप ही सोचो कि जब लिगेंड जो कि ऑन द एक्सिस पे हैं और वो 2 ऑर्बिटल जो ऑन द एक्सिस वाले हैं उनकी आमने सामने की टक्कर होगी, जिसकी वजह से वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे तो वो ऊपर चले जाएंगे जब स्प्लिटिंग होगा तो, और वो जो 3 इन बिटवीन द एक्सिस वाले थे उनकी लेटरल टक्कर होगी या कॉलिजन होगा तो वो नीचे आ जाएंगे एनर्जी में, जिसका नाम T2G रखेंगे, राइट। और वो कौन कौन होंगे, DXY, DYZ, DXZ, और ये DX2, Y2, DZ2, EZ वाले होंगे, राइट।
आपको यह भी बता रखा हूं कि अगर वीक फील लिगेंड हुआ तो स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होगा, गैप ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड हुआ तो स्प्लिटिंग या गैप बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो इसलिए ध्यान रखना है कि वीक फील लिगेंड में ये डेल्टा ओ नॉट की वैल्यू कम होगी, मान लो 200 है तो यहाँ पे हो सकता है कि वो चीज 500 के बराबर हो। बस समझ में आ गए। अब T2G में इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है वीक फील्ड में, ये भी आपको बता रखा हूँ कि पहला इलेक्ट्रॉन यहीं पर आएगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, पहले सिंगल सिंगल, चौथा गैप कम होने की वजह से ऊपर चला जाएगा ईजी में, फिर पांचवा भी ईजी में, फिर छठा आपका T2G में, सातवां T2G में, आठवां T2G में, फिर 9-10 ईजी में, ये ऐसे भरना है वीक फील्ड में। वीक फील्ड कैसे पहचानेंगे, जिसमें ऑक्सीजन डोनर हो, हेलोजन डोनर हो या सल्फर डोनर हो, राइट। स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे पहचानेंगे, आपको बता रखा हूँ, कार्बन या नाइट्रोजन डोनर हो, चूंकि इसमें एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो वी नो कि पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी T2G में आएगा, दूसरा भी T2G में, तीसरा भी T2G में, सिंगल सिंगल, चौथा इलेक्ट्रॉन अब ऊपर नहीं जा पाएगा, आप ही सोचो, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, उसको एनर्जी चाहिए होगा फिर, तो इसीलिए वो चौथा इलेक्ट्रॉन अब यहीं पर आएगा, जबकि इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर ईजी में चला गया था, यही डिफरेंस है। पांचवा भी इसी में आएगा, छठा भी। अब सातवां जब आएगा तो चूंकि यहाँ पूरा फिलअप हो चुका, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए अब सातवां ऊपर जाएगा, आठवां ऊपर ही जाएगा, 9-10 ऊपर भरेंगे, राइट। ये डिफरेंस है। तो आप ध्यान से देखना कि जो डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल है उसको रिफरेंस हमने माना, तो उससे ऊपर प्लस और उससे नीचे माइनस, क्योंकि एक रिफरेंस हो गया, जैसे पोटेंशियल एनर्जी एक रिफरेंस ले तो उससे ऊपर प्लस मानते हो, उससे नीचे माइनस, तो वैसा ही केस है। और ये 0.6 और 0.4 कैसे याद रखेंगे, तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैक्सिमम चार इलेक्ट्रॉन आ सकता है ईजी में, इसलिए 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 होगा, यहाँ पे मैक्सिमम छः इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2.4 ही लाना है, तो इसलिए 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका रेफरेंस लाइन पे एनर्जी है वो जीरो का बैरियर बना रहेगा, राइट। तो ये पॉइंट क्लियर होगा। इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आप ध्यान से समझो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ध्यान से समझ लेना एक एक पॉइंट को। कंसेप्ट पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, पॉइंट नंबर वन, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड CFAC का चार ऑप्शन क्रिएट कर देगा, किस में होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्लियरली बता दिया है, आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, उसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है वो निकालना है, और उसको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है, उसके बाद आपको वैल्यू कैसे निकालना बता दिया। ध्यान देना यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो सिर्फ प्लस साइन से बताना है, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है ये भी क्लियर है, क्योंकि T2G में इलेक्ट्रॉन जाएंगे पहले, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना ला सकते हैं हम, 2.4 ये हम ला सकते हैं, और डिपेंडिंग कि डी में कितना इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे, क्योंकि ईजी में इलेक्ट्रॉन को नहीं ले जाना है, क्यों, ईजी में इलेक्ट्रॉन को ले जाओगे तो वो प्लस होगा और प्लस माइनस कम हो जाएंगे, राइट, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है तो कम हो जाएगा, मैक्सिमम की बात कर रहा है ये, तो आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखना है किस में T2G में ज़्यादा, चार ऑप्शन में किस में T2G के और ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है उसी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू ही पूछ लिया कि भाई चार ऑप्शन दे दिया किसमें वैल्यू कितना है, या मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वैल्यू पूछ लेगा तो ये फॉर्मूला लगा करके आपको निकालना है। दूसरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो गैप है डेल्टा ओ नॉट, ये तो क्या हो गया, एनर्जी है, राइट, और एनर्जी विनो क्या होता है, HC/λ, तो कभी कभी आपको ध्यान देना ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर गिवन है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो उसको HC/λ के बराबर कर दोगे, तो ये गिवन होगा तो लेमडा पूछ लेगा, और लेमडा गिवन होगा तो ये पूछ सकता है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, बस ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप यहाँ से निकाल लोगे, राइट, तो ये सम कांस्टेंट इनटू डेल्टा ओ आएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, राइट। अब CFSC दे दिया तो डेल्टा ओ नॉट यहाँ से निकल जाएगा, राइट, या फिर वाइस वर्सा डेल्टा ओ दे दिया तो CFSC आ जाएगा, बट ध्यान देना डेल्टा ओ HC/λ के बराबर है, CFSC HC/λ के बराबर नहीं है, राइट, क्योंकि CFSC इज सम कांस्टेंट, जो भी आएगा 2.4 आएगा या फिर जो भी 1.2 आएगा टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ नॉट होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग CFSC वैल्यू का ऑर्डर बताओ, राइट, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि हमने इलेक्ट्रॉन अगर ऐड किया तो
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, तो वही फॉर्मूले में देख लो कि वो इलेक्ट्रॉन जो ऐड किया वो कहाँ जा रहा है, T2 में जा रहा है या EG में जा रहा है, या फिर आपका डिक्रीमेंट ऑफ CFSE किस में हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिया कि ये 5 कंसेप्ट को वो यूज कर सकता है वाया यूजिंग दिस मेथड। नाउ इस कंसेप्ट पे बेस एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कि मान लो ये 4 ऑप्शन दे दिया और आपसे पूछा जा रहा हो कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड CFSE का किस में होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, टाइटेनियम आपका +3 में, क्रोमियम भी +3 में, मैग्नीज भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आयरन भी +3 में। क्यों? क्योंकि वाटर न्यूट्रल लिगेंड है। तो पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है, उसके बाद डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टाइटेनियम में डी में 1 हो जाएगा, राइट। क्रोमियम में डी में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मैंगनीज में डी में आपका 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि एस से 2 जाएंगे और डी से 1 जाएंगे, राइट। तो डी में 4 बचेगा, आयरन D6 है, एस से 2 जाएंगे और डी से 1 जाएगा, तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ध्यान से देखो, वाटर क्या मेरा वीक फील्ड लिगेंड है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ये वाली होगी। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो 1, 2, 3 यहाँ पे होंगे, यहाँ पे ध्यान दो 4 इलेक्ट्रॉन है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और यहाँ जाने की वजह से ये प्लस होंगे और इधर माइनस, तो वैल्यू डिक्रीज होगी। और वैसे ही ये 5 है इसमें, तो यहाँ पे 5वां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो अगेन ये प्लस है और ये माइनस, तो वैल्यू और भी डिक्रीज होगी। हमसे पूछा गया है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, तो किस में आने वाला है, D3 में। क्यों? क्योंकि 3 होंगे तो 3 टाइम्स ऑफ 0.4 डेट इज 1.2, और मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो प्लस ले लेंगे, राइट। लेकिन D4 लोगे तो 1.2 माइनस में प्लस 0.6, तो क्या हो जाएगा 0.6, तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के लिए, क्रोमियम H2O6 +3। तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, या वैल्यू पूछ ले तो बता सकते हो, अभी आपको भर के बताया, या फिर इस टाइप से वैल्यू दे दे तो किसी एक का दूसरे से पूछ सकता रिलेशन। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरा इसका एप्लीकेशन कैसे ले सकता है वो, तो वी नो कि जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा, राइट, जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा तो E = क्या है, HC/λ, तो लेमडा उतना कम होगा। तो वही पॉइंट हमने लिखा है कि अगर एनर्जी बढ़ा, डेट मीन्स गैप बढ़ा, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, ध्यान से देखो। पॉइंट 1 4 ऑप्शन दे देगा, विच कैन शो कलर, तो कलर कौन शो कर सकता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही कलर शो कर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का यही कंसेप्ट है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डेट मीन्स पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आपको देखना है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेमडा एब्जॉर्ब का आप ऑर्डर बताओ, इस टाइप का। तो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वेरी सिंपल, ध्यान से देखो। चूंकि जितना ज़्यादा एनर्जी का गैप होगा लेमडा उतना कम होगा, क्यों? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो लेमडा को कम होना पड़ेगा क्योंकि वो डिवाइड में, राइट। तो इसलिए अगर लेमडा एब्जॉर्ब का अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिगेंड देखो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो एनर्जी का गैप ज़्यादा होगा, एनर्जी का गैप ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। तो इसलिए यहाँ से कैसे आप करेंगे, तो वी नो विव ग्योर सभी को मालूम है, इस साइड में रेड कलर के साइड में आपका वेवलेंथ इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप देख लो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी गैप ज़्यादा, मतलब वेवलेंथ कम, तो मतलब इधर वाला कोई होगा एब्जॉर्ब वेवलेंथ, राइट। और अगर मान लो एनर्जी कम है तो डेट मीन्स वेवलेंथ ज़्यादा, तो इधर वाला कोई होगा। तो इसलिए ये ध्यान देना है कि लिगेंड कैसा है वहाँ पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इधर वाले होंगे, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इधर वाले होंगे। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में लेमडा इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप का कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे ही स्ट्रॉन्ग, वही पॉइंट लिखा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लिगेंड इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगा और वेवलेंथ डिक्रीज होंगी। नेक्स्ट इंटेंसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना ज़्यादा इंटेंसिटी। तो इसी से आप कनेक्ट कर लोगे कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो एनर्जी ज़्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगा तो इंटेंसिटी भी उस कलर का कम होगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो एनर्जी कम होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। तो इस टाइप से देखो, कंसेप्ट ये रहेंगे लेकिन पूछने के तरीके चेंज हो सकते हैं। जैसे इसको भी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपका क्लियर करता हूँ कि मान लो आपको ये दे दिया और पूछा जाए कि इन दोनों में कौन ज़्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अमोनिया नाइट्रोजन डोनर है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पे क्लोरीन हैलोजन डोनर है, तो ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से इसका क्या हो गया, एनर्जी कम, स्प्लिटिंग वाला, राइट।
ये वाला कम हो गया, तो वेवलेंथ क्या हो गया, ज़्यादा। तो इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा रहेगी, इसकी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है तो आई मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो एनर्जी ज़्यादा हो गया, कौन वाला, ये वाला गैप, तो एनर्जी ज़्यादा हो गया तो वेवलेंथ कम, इंटेंसिटी भी कम। तो आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में किसकी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, तो देखो ये ऑप्शन हो जाएंगे, वेवलेंथ एडजॉर्ब का ऑर्डर बताओ, तो फिर वेवलेंथ इसका ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि एनर्जी कम है। इस टाइप से पूछा जा सकता है, एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो एनर्जी में फिर ये हो जाएंगे। तो मेरी बात को समझे, तो मैंने पूरा आपको क्लियर कर दिया कि वो कहाँ तक जा सकता है। एक तरीके से मैंने ऑपरेशन कर दिया इस कॉन्सेप्ट का, कि ये एक कॉन्सेप्ट है, उसको कितने डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है। और इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन PYQ में आए हुए हैं, जिसको आप बहुत ईजिली कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, क्या आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को कैसे याद रखेंगे उसके सीरियल ऑर्डर से। तो ध्यान से देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड आपको बताया था कि नाइट्रोजन या कार्बन डोनर वाले होंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अमोनिया में नाइट्रोजन डोनर है, पायरीडीन में अगेन नाइट्रोजन डोनर है, डाईपायरीडीन में भी नाइट्रोजन डोनर है, और ये बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। नाइट्रो में नाइट्रोजन डोनर है, साइनाइड में आपका आइदर कार्बन या नाइट्रोजन डोनर है, और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल में भी आपका कार्बन डोनर है। तो इसलिए इसको उसके ऑर्डर में ही लिखा हूँ, और वैसे भी याद रखना आपको। तो इसके लिए निमोनिक्स है, डेट इज़ वेरी सिंपल, अमोनिया पायरीडीन इन डीपी, डीपी जो हम लगाते हैं, तो अमोनिया पायरीडीन इन डीपी, नाइट्रो सुनने को रेडी नहीं। तो इस राइमिंग वर्ड से आप याद रख सकते हो कि जब आपने अमोनिया पायरीडीन को डीपी में लगा लोगे, तो नाइट्रो सुनने को रेडी नहीं। तो ये उस ऑर्डर में याद हो जाएंगे, डेट मीन सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का गैप आएगा वो CO में कार्बोनिल में आएगा, फिर उससे कम CN में एंड सो ऑन। बट ध्यान दें कि ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डेट मीन्स एक एनर्जी का गैप तो ज़्यादा होगा ही, फिर उसमें भी बात हो रही है तो और बढ़ते जाएंगे। बट दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसमें इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन T2G में, चौथा भी T2G में ही जाएगा, ये ध्यान रखना है। वीक फील्ड को कैसे याद रखेंगे, सेम उसी तरीके से, तो हैलोजन वीक फील्ड लिगेंड है, उसमें भी वैसा ही ऑर्डर है, आई से ज़्यादा BR, BR से ज़्यादा CL, CL से ज़्यादा F, फील्ड की स्ट्रेंथ, फिर OH माइनस, फिर ऑक्सीलेट जिसपे -2 चार्ज होता है, बाइडेंटेड लिगेंड, और फिर वाटर। तो कैसे याद रखेंगे, वेरी सिंपल, हेलो हैलोजन से हेलो ऑल, अल्कोहल का ऑल, हेलो ऑल, ऑक्स को वाटर पिलाओ। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, चार ही हैं, हेलो ऑल, ऑक्स को वाटर पिलाओ। इन सब में ध्यान से देखो तो हैलोजन या ऑक्सीजन डोनर है। तो ये याद रखने से क्या फ़ायदा होगा, कि अगर आपको चार ऑप्शन दिए मैंने, किसमें ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, किसका क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, तो इसको ध्यान में रखना है, राइट। तो ये हो गया पाँचवा पॉइंट, जिसमें एक पॉइंट और है कि सेंट्रल मेटल एटम अगर 4D सीरीज का या 5D सीरीज का हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी हो, 6 हो 4 हो, डजन मैटर, इस पॉइंट पे ध्यान देना, अगर सेंट्रल मेटल एटम 4D या 5D सीरीज का है, कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी हो, जितने भी लिगेंड है सब के सब को क्या ट्रीट करना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, फिर ये सब कहानी ख़त्म। ये कहानी कब तक है, जब तक आपका 3D सीरीज का एलिमेंट है, तभी ये सोचना है आपको, अदरवाइज 4D 5D सीरीज का है तो सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल PT आपका नहीं पढ़ोगे पिटोगे, तो ये हो गया आपका 5D सीरीज का, इसलिए ये नहीं कि CL है तो वीक फील्ड लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड के अकॉर्डिंग आपको थिंक करना है। वैसे यहाँ पे PT है, फिर CL है, वीक फील्ड नहीं, फिर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड के अकॉर्डिंग थिंक करना है। फिर यहाँ पे PT, बाय द वे यहाँ पे तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड ही है, तो एनी हाउ कहने का यह मतलब होगा कि 4D 5D सीरीज का अगर सेंट्रल मेटल दिख गया आपको, तो सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 6, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर आपका कोबाल्ट +3 में है और लिगेंड ऑक्सीलेट या वाटर है, वैसे ही आपका सेंट्रल मेटल एटम आयरन +2 में है या मैग्नीज +2 में और लिगेंड अमोनिया है, निकेल +4 में है और लिगेंड फ्लोराइड है, ध्यान देना बस यही होंगे, तो इन सब में एक्सेप्शन है, डैट मीन्स वीनो की ये वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन काम किसका करेंगे यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड का, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग का करेगा, स्ट्रॉन्ग वीक का, क्योंकि एक्सेप्शन है और ये एक्सेप्शन इतने ही है, इतने ही ध्यान रखना है। वैसे अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्योंकि नाइट्रोजन डोनर है, बट इन दोनों के केस में
वीक फील्ड का काम करता है। वैसे ही फ्लोरीन एक वीक फील्ड है, लेकिन निकेल प्लस फोर में होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करेगा। तो अगेन कैसे याद रखेंगे, तो रफी सर का सिंपल ट्रिक्स निमोनिक्स उसके लिए वेरी सिंपल है। ऑक्स को वाटर से इज ए कनेक्टिंग वर्ड, ऑक्स को वाटर से नहाओ, NH3 से हमने बना लिया नहाओ, फिर मैं Fe से फिर, MN से मैं, और NIF में T लगा दिया, जैसे निफ्ट होता है राइट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो जस्ट हम कनेक्ट कर सकते हैं कनेक्शन के लिए, फिर मैं निफ्ट करता हूँ इज ए कनेक्टिंग वर्ड। तो निमोनिक्स वेरी सिंपल है, ऑक्स को वाटर से नहाओ और जो नहाएगा ऑब्वियस बात है उसको पेमेंट देना पड़ेगा, तो फिर मैं निफ्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि देखो ऑक्स को वाटर, इसमें टोटल तीन है, तीन टर्म है, इसलिए कोबाल्ट पे प्लस थ्री चार्ज होना चाहिए, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का प्लस थ्री में है, ऑक्सिलेट जो कि एक वीक फील्डिंग एंड है, लेकिन आपको इसका कुछ भी बताना होगा तो आपको क्या मानना है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्डिंग एंड है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पे कोबाल्ट प्लस थ्री में क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, तो वाटर एक वीक फील्ड है, लेकिन एक्सेप्शन होने की वजह से आपको जो भी बताना है इसका वो SFL के अकॉर्डिंग थिंक करके आपको बताना है। बस समझ में आ गई। तो ऑक्स को वाटर में टोटल तीन टर्म, उससे हमने कनेक्ट कर दिया कि कोबाल्ट पे प्लस थ्री चार्ज होगा, और ऑक्सिलेट वाटर जो कि वीक फील्ड है, चूंकि हमारा एक्सेप्शन का पॉइंट चल रहा है तो उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड मानना है। सिमिलरली फिर मैं निफ्ट, तो नहाओ में ध्यान से देखो कितने वर्ड हैं, टोटल अमोनिया में चार हैं लेटर राइट, एक एन तीन है, तो इसलिए चार प्लस को दो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लस टू ऐसे कनेक्ट किया। तो नहाओ फिर मैं, तो आयरन प्लस टू MN प्लस टू, चूँकि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो ये आयरन का ही प्लस टू हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रल है ये, और ये MN का प्लस टू। तो आयरन प्लस टू में, मैंगनीज प्लस टू में हो, अमोनिया लिगेंड हो, तो वीनो की अमोनिया स्ट्रॉन्ग है बट यहाँ पे वो वीक फील्ड का काम करेगा, तो आपको वीक फील्ड के अकॉर्डिंग थिंक करके उसका आंसर देना है कि T2G में कितना इलेक्ट्रॉन होगा या हाइब्रिडेशन क्या होगा एटसेट्रा एटसेट्रा। और सिमिलरली निकेल अगर प्लस फोर में है तो ध्यान देना निफ्ट में कितना वर्ड आ रहा है, चार वर्ड, इसलिए उससे कनेक्ट किया हमने प्लस फोर को। ध्यान से देखो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी जोड़ दिया, वही ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, वही लिगेंड होना चाहिए, ये सब ध्यान में रखना है, और वही सेंट्रल मेटल एटम भी होना चाहिए। तो निफ्ट में चार वर्ड आया इसलिए निकेल प्लस फोर में होना चाहिए, और फ्लोरीन जो कि एक वीक फील्ड है बट यहाँ पे किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड का। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट That is again very important, कई बार मैंने इस बात पे जोर दिया कि चूंकि 99% हमारा क्वेश्चन 3D सीरीज से ही रहता है, सेंट्रल मैटर एटम 3D का रहता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, उसके लिए सिंपल सा मैंने ट्रिक लेके आया है, क्योंकि ये आपको निमोनिक से याद करवा रखा हूँ, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नया कप जीतेगा, और 21 से एटॉमिक नंबर स्टार्ट हुआ, एंड होगा 30 पे, 21 से 30 का काउंट सबको आता है। तो अगर ये मेटेलिक फॉर्म में कोई चार्ज नहीं है अगर, तो एलिमेंटल फॉर्म में है, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा उस मेटल का, उसको सिंपल हमने कनेक्ट कर दिया है कि 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो 20 से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो सब डी के इलेक्ट्रॉन है ऐसा मान लो। तो 20 से ज़्यादा कितना हो गया, 1, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन, 22 में 20 से दो ज़्यादा है तो डी में दो इलेक्ट्रॉन, डी में थ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कुकर वर्ड आपको दिया था, या फिर आप ऐसे भी कनेक्ट करना, जहाँ पे भी डी में फोर इलेक्ट्रॉन हो तो उसको फाइव कर देना, क्योंकि फोर से फाइव होना चाहेगा वो, क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा राइट, अगर इन चारों में भरे हुए हैं तो पाँचवा भी भरने की कोशिश करेगा ताकि वो हाफ फील्ड हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे बस ध्यान देना आपको, यहाँ पे 20 से 5 ज़्यादा तो डी में 5, 26 6 ज़्यादा तो डी में 6, एकदम कनेक्शन है बेटा, 7 तो डी में 7, 8 तो डी में 8, अब यहाँ पे 9 तो 9 वाला 10 होना चाहिएगा ड्यू टू फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, कुकर वर्ड से याद करवा रखा हूँ तो इसलिए 10, और यहाँ पे 20 से 10 ज़्यादा है तो 10। तो ये झंझट पहले ख़त्म हो गया कि डी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 21 से स्टार्ट हो रहा है, 20 से जितना ज़्यादा उतना डी में इलेक्ट्रॉन, एंड अगर उसी मेटल के आयंस में डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अगर वो पता लगाना हो तो वो भी वेरी सिंपल है, उसके भी सिंपल ट्रिक रफी सर ने आपको दिया है। ध्यान से देखो उसी मेटल के आयंस में डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले उसके डी में से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए उसके लिए ट्रिक है कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट उस सेंट्रल मेटल एटम का या उस डी ब्लॉक वाले एलिमेंट का, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो उसमें से -2 कर दो राइट,
तो ये जितना भी आएगा, मान लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज करते हैं 4 है, माइनस 2 किया तो 2, तो 2 आने का मतलब कि आपको उसके d से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देना है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो बचेगा वही d में इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंगनीज प्लस 3 में, वेरी सिंपल, तो आपको क्या बोला ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस 2, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो मतलब d में से 1 इलेक्ट्रॉन मेरे को निकालना है। इसके मैग्नीज के d में कितना था 5, तो 5 में से 1 गया तो 4, तो d में कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया उसका। सिमिलरली जैसे आयरन प्लस 3 में, तो 3 माइनस 2, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है वो बता दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। आयरन 26, d में 6 था, 1 गया तो d में कितना हो जाएगा 5, वेरी सिंपल। ध्यान से देखो निकेल प्लस 2, राइट, तो प्लस 2 है तो आपका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस 2, डेट मीन्स 0, मतलब डी में से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है। तो निकेल में डी में कितना था 8, तो 8 ही रहने देना। मेरी बात को समझे, वेरी सिंपल वेरी इजी। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा वो ट्रिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, और ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, इसलिए आप अपना 4 मार्क्स फिक्स कर लें। ओके, आज का जो ट्रिक होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे बेस्ड होगा, राइट, और चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसलिए टोटल मैं 4 पॉइंट दूंगा, उस 4 पॉइंट को अच्छे समझ लो, इससे बाहर कुछ नहीं है, आपके सारे प्रॉब्लम विद इन 1 मिनट में होंगे। तो ध्यान से देखो पॉइंट नंबर 1 कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है, आपको बता रखा हूँ, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी, अगर वो 4 आ जाता है तो आपको क्या चेक करना है, सेंट्रल मेटल एटम। अगर सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो अगर 4D सीरीज का है या 5D सीरीज का है, राइट, तो फिर उस केस में आपको लिगेंड को चेक नहीं करना है, क्योंकि सारे के सारे लिगेंड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड होंगे। डैट्स वाई उस केस में हाइब्रिडाइजेशन आपका फिक्स हो चुका है, अगर आपसे पूछेगा तो DSP2, जैसे फॉर एग्जांपल PtCl4-2, तो यहाँ पे ये दिख गया कि ये 5D सीरीज का है, तो इसलिए आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका हाइब्रिडाइजेशन बोल देना DSP2। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सेंट्रल मेटल एटम आपका 4D या 5D सीरीज का है, तो लिगेंड पे ध्यान ही नहीं देना है, सारे के सारे लिगेंड चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेंगे, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है DSP2, एंड शेप भी फिक्स हो गया। हाइब्रिडाइजेशन अगर DSP2 है तो शेप भी फिक्स है स्क्वायर प्लेनर। देखने में कैसा होगा, वेरी सिंपल, यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हो, चारों लिगेंड और मेटल बोर्ड के प्लेन में ही होंगे, राइट, इसलिए वर्ड आया है प्लेनर। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये एक स्पेशल केस है, किसका, ऑक्टाहेड्रल का, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल भी ऐसे ही बनता था, चार ये प्लेन में, एक प्लेन के अप और एक प्लेन के डाउन, तो वही अप और डाउन वाले को निकाल लोगे तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, इसलिए ये पॉइंट लिखा हूँ कि इट इज ए स्पेशल केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। एक पॉइंट और पूछा जा सकता है कि इसके हाइब्रिडाइजेशन में जो डी यूज हुआ है वो कौन सा है, तो आप समझ सकते हो ये एक्स वाई प्लेन में है, ऑन द एक्सिस पे लिगेंड है, तो इसलिए एक्सिस वाले ऑर्बिटल यूज होंगे, एक्सिस वाले ऑर्बिटल कौन थे, DX²Y², वो भी एक्स वाई एक्सिस पे लाई करते थे, तो इसलिए वो जो डी यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन में वो DX²Y² होंगे। नाउ अगर सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन अगर आपका 3D सीरीज का है, ध्यान देना 3D, वही सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नया कप जीतेगा, राइट, तो अगर वो 3D सीरीज में है तो फिर आपको चेक करना है कि लिगेंड कैसा है, अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन DSP2 शेप स्क्वायर प्लेनर आपको बताना है। जनरली 99% केस में ऐसा ही होगा, एक दो एक्सेप्शन है जिसको मैं आपको ट्रिक से याद भी करवा दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल NiCO4, यहाँ पे बाय द वे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट हाइब्रिडाइजेशन DSP2 नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका SP3, और शेप फिर क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो एक दो एक्सेप्शन है, अदरवाइज 99% ये चीज़ें फुलफिल होंगी 3D सीरीज में। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड कौन होते हैं बता रखा हूँ, जो भी ऑक्सीजन या हेलोजन या सल्फर डोनर होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड कार्बन या नाइट्रोजन डोनर होंगे, तो राइट, तो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है SP3, शेप टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो। इसमें दो ही बॉन्ड एक प्लेन में आ सकते हैं, ये ध्यान रखना, और ये जो दो बॉन्ड मैंने दिखाया, एक बॉन्ड प्लेन के अप होगा
ऐसे तो एक बॉन्ड प्लेन के डाउन में होगा, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें एंगल आपको मालूम है 109 डिग्री 28 मिनट है, इसमें आपको मालूम है स्क्वायर प्लेनर में एंगल कितना हो जाएगा डायरेक्ट 90 डिग्री, राइट। नाउ द पॉइंट इज कि ये कभी भी, ये वाला कभी भी जी आई डेट मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर कभी भी नहीं शो कर सकता, ये ध्यान रखना, वैसे हम आइसोमेरिज्म में बात करेंगे। नाउ पॉइंट नंबर टू कि टेट्राहेड्रल में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसे होगा। तो यू नो कि टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड है वो भी इन बिटवीन द एक्सिस है, और आपका जो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड है वो भी इन बिटवीन द एक्सिस है, तो दोनों ऑलमोस्ट क्लोज में होंगे, तो उसका कोलिजन काफ़ी इफेक्टिव होगा, राइट। इसकी वजह से वो एनर्जी में ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, डी ऑर्बिटल के जो पांच घर थे उसमें से तीन घर ऊपर चले गए, तीन घर हैं इसलिए तीन लेटर है टी टू जी, और दो घर नीचे आ गए ई जी। अगर ध्यान से देखो तो एग्जैक्टली अपोजिट है ऑक्टाहेड्रल का, राइट। और क्यों है ये बिल्कुल आपको फील होना चाहिए, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड एक्सिस पे थे इसलिए ये एक्सिस वाले ऊपर गए थे, यहाँ पे टेट्राहेड्रल में लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस है इसलिए इन बिटवीन द एक्सिस वाले ऊपर चले गए, तो टी टू जी ई जी इंटरचेंज हो गया। इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, वही सेम रूल को फॉलो करना है, वन टू सिंगल सिंगल, वीक फिल लिगेंड है इसलिए 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, ये मैंने नंबरिंग ही कर दिया है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ये कौन सा ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये कौन से हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, टी टू जी वाले का सारे का सेम एनर्जी होगा इसलिए इसको डी जनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे, सिमिलरली ई जी वाले डी जनरेट ऑर्बिटल होंगे क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम होगी। ये यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है उसको डेल्टा टी स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल एनर्जी बोलेंगे, जैसे वहाँ पे डेल्टा ओ बोलते थे। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ समझाने की कोशिश किया है कि डी एक्स वाई देखो इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं, लिगेंड भी इन बिटवीन द एक्सिस है, इसीलिए ये दोनों क्लोज होने की वजह से जो कोलिजन होगा वो उसका इफेक्टिव होगा, तो वो ऊपर चले जाएंगे। नेक्स्ट अगर स्क्वायर प्लेनर हुआ तो स्क्वायर प्लेनर में आपके जो लिगेंड है वो एक्स वाई एक्सिस पे है, राइट, और इसलिए आप सोच सकते हो तो फिर जो ये डी ऑर्बिटल है इसमें पहले, चूंकि ये एक्स वाई एक्सिस पे है, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो पहले मैंने ऑक्टाहेड्रल की तरह स्प्लिटिंग कराया, टी टू जी वाले तीन नीचे ई जी वाले दो ऊपर, राइट। और इसमें फर्दर स्प्लिटिंग होती है, क्यों होगी, क्योंकि ई जी में जो आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एग्जैक्टली लिगेंड के सामने आ गया, क्यों, क्योंकि लिगेंड भी एक्स वाई डायरेक्शन में एक्स वाई एक्सिस पे और ये भी आपका एक्स वाई एक्सिस पे, तो इसलिए एनर्जी में सबसे ज़्यादा हाइक इसमें आ जाएगा, इसलिए सबसे ऊपर आपका रहेगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर डी एक्स वाई वाले, डैट मीन्स चूंकि हमारा लिगेंड भी एक्स वाई प्लेन में है तो इसलिए एक्स वाई वाला जितना भी ऑर्बिटल होगा उसको ऊपर करना है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्यों सबसे ऊपर किया, क्योंकि वो तो सामने ही आ गया, उसके बाद जेड वाले सब आएंगे अगर आप ध्यान से देखो तो। तो ये इसको कैसे समझ सकते हो, वेरी सिंपल, बिल्डिंग बनाना है आपको, बिल्डिंग का जो नींव होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए पहले दो ऑर्बिटल एक लेवल में दोनों की एनर्जी सेम, फिर उससे ऊपर डी जेड स्क्वायर, फिर उससे ऊपर डी एक्स वाई, फिर उससे ऊपर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब बिल्डिंग का ये दो घर हो गया, बेस को मजबूत किया, फिर उससे ऊपर एक, फिर एक, फिर एक, तो इसलिए देख सकते हो इसका एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा है, जिसको हम डेल्टा एस पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो पहला तो ये कि डेल्टा टी डेल्टा ओ में ये रिलेशन आपको याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा टी दे देगा तो डेल्टा ओ निकालना, डेल्टा ओ दे देगा तो डेल्टा टी निकालना, वेरी सिंपल, वी नो कि डेल्टा ओ बड़ा है इसलिए डेल्टा टी 4/9 टाइम्स स्मॉल नंबर मल्टीप्लाई क्या टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ है। दूसरा स्प्लिटिंग वाइज अगर बात करें तो सबसे कम स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा टी में, उससे ज़्यादा डेल्टा ओ में, और सबसे ज़्यादा स्क्वायर प्लेनर में एनर्जी के स्प्लिटिंग का ऑर्डर बात करेंगे। तो वैसे ही अगर लिगेंड सबको सेम रखे और सेंट्रल मेटल को चेंज कर रहा हो तो 4D से ज़्यादा 5D वाले सेंट्रल मेटल एटम का एनर्जी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा। तो ये तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, डायरेक्ट कुछ नहीं इसकी वैल्यू दे देगा आपको तो इसका पूछ लेगा, या फिर इसकी वैल्यू दे देगा तो इसका पूछ लेगा, तो ये ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है वो क्या कर रहा है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, लिगेंड से लोन पेयर ले रहा है, तो इसलिए ये अकॉर्डिंग टू लुइस ये क्या हो जाएंगे, एसिड हो जाएंगे। सिमिलरली लिगेंड लोन पेयर दे रहा है, डोनेट का काम कर रहा है डोनर का, तो वो लुइस बेस हो जाएंगे, तो ऐसा ही पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट सबको आपको ध्यान में रखना है। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो वही सेम
कौन पैरामैग्नेटिक होगा, तो जनरली टेट्राहेड्रल वाले जनरली, पॉइंट पे ध्यान देना, जनरली पैरामैग्नेटिक होंगे, और स्क्वायर प्लेनर वाले जनरली 99% डायमैग्नेटिक होंगे। एक दो एक्सेप्शन होगा जिसको मैं अभी ट्रिक में क्लियर भी कर दूंगा। और वैसे ही T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, EG में कितने हैं, उनका सम बताओ, राइट, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 3, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है तो 99% आपको जो देगा वो इन्हीं तीनों में से कोई होगा, राइट। इसलिए रफी सर ने उसके लिए एक अवसम ट्रिक बनाया है, और वो क्या है, निक लोन TTS, डैट मीन्स निक नाम के पर्सन को लोन जो है वो ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे में मिलता है। तो इसको कैसे कनेक्ट किया, ध्यान से देखो, Ni निकल सेंट्रल एटम फिक्स हो चुका है, तो निकल के साथ आपको एक बार C के साथ L लेना है, तो क्या हो जाएगा, निकल क्लोराइड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें, इसलिए 4, निकल पे +2 चार्ज, इसलिए -2, तो एक ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछ सकता है। फिर Ni C के साथ O को लिया एक बार, राइट, तो NiCO4 हो गया। फिर Ni C के साथ N को लिया तो NiCN4। तो देखो इसमें मैंने कनेक्ट कर दिया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, निक लोन। TTS का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, राइट। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखना है। और फिर इसमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक को भी ट्रिक से मैंने कनेक्ट किया है कि आपको कैसे करना, और ये चीज़ यहीं पे लगाना है, ट्रिक है बेटा, तो यहीं पे लगाना है ये वाला पॉइंट, ये वाला कैसे कि टाइप्स ऑफ एटम देख लेना लिगेंड में, यहाँ पे लिगेंड में जो टाइप्स ऑफ एटम है वो एक ही है, क्लोरीन, राइट, Cl उसका नोटेशन है, एक ही टाइप का है, वन ऑड नंबर है, तो पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे दो टाइप के एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन, राइट, तो इवन हो गया तो डायमैग्नेटिक। यहाँ पे भी दो टाइप के है, कार्बन नाइट्रोजन, तो इवन हो गया तो डायमैग्नेटिक। ये जस्ट इस केस में कनेक्ट करने के लिए, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पता चल लग गया, डायरेक्ट क्वेश्चन देखा आप टिक कर दोगे, राइट। निकलोन TTS से आपको ये याद हो गए, इसका आप चूंकि टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन में फिक्स हो चुका है, इसका sp3, टेट्राहेड्रल होते ही sp3, ये भी sp3 और ये dsp2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इस ट्रिक से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, उसके हाइब्रिडाइजेशन को, उसके शेप को, उसके मैग्नेटिक मोमेंट को, सबको कनेक्ट कर दिया। और सिंपल एक वर्ड है, निकलोन TTS, उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्यों ऐसा हुआ। ध्यान से देखो, जब NiCl4 -2 लोगे तो यहाँ पे निकल +2 में, D में 8 इलेक्ट्रॉन है, चूंकि ये 3D सीरीज का है, Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो इस तरीके से स्प्लिटिंग कराएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन को भरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे देख सकते हो कि सारे में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए D तो यूज ही नहीं कर पाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3 है, तो टेट्राहेड्रल। यहाँ पे देख सकते हो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछ ले तो 2.8 समथिंग हो जाएगा, या फिर यू नो कि ये EG है, ये T2G है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं, EG में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें भी 4 है, EG में इलेक्ट्रॉन का पेयर कितना है, तो 2, राइट, T2G में इलेक्ट्रॉन का पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक ही होगा, एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन है, राइट, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2, राइट। T2G में मान लो बोल दिया M इलेक्ट्रॉन है और EG में N इलेक्ट्रॉन है, तो M+N की वैल्यू बताओ। ये जस्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि कंसेप्ट एक होता है और उसमें घुस करके वो बहुत कुछ पूछ सकता है, बात वही रहेंगी, तो ये आई होप क्लियर होगा। वैसे ही NiCO4 में निकेल आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है, राइट, तो 4s2 3d8 होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए स्प्लिटिंग आपको ऐसे कराना है, पहले दो घर फिर 1 1 1, डी में 8 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ तक भर दिया, इसका dx2y2 खाली है, और 4s वाला भी जो है उसकी भी एनर्जी इसी से ऑलमोस्ट मैच कर जाती है, तो ये मेरा 4s2 वाला है, चूँकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अपनी ताकत तो दिखाएगा, तो ताकत दिखाना कभी कभी भारी भी पड़ जाता है, तो ये क्या करेगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करा देगा, क्यों, क्योंकि भाई मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हूँ, मैं तो जो चाहूँगा वो करूँगा, तो इस करने के चक्कर में क्या हो गया, आप ध्यान से देखो, ये वाला यहाँ जाएगा तो S खाली हो जाएगा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 होते ही टेट्राहेड्रल, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसमें, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो डायमैग्नेटिक μ0। और सिमिलरली NiCN4 में निकेल अगेन +2 में है, राइट, तो D8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, चूंकि CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, निकेल 3D सीरीज का, इसलिए ये सब सोच रहे हैं, 4D 5D का होगा तो सोचते भी नहीं, राइट, डायरेक्ट स्क्वायर प्लेनर, तो D में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसको फिलअप किया तो आपका ये वाला खाली रह गया, इसलिए ये D यूज होगा पहले, तो हाइब्रिडाइजेशन DSP2 स्क्वायर प्लेनर, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो μ0 और डायमैग्नेटिक। तो इसलिए ध्यान रखना, 99% क्वेश्चन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से बॉन्डिंग से पूछा जा रहा है तो बेटा यहीं से होगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर वन, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करना है, तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, यहाँ पे अमोनिया आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो कॉपर पे ही प्लस टू चार्ज होगा, राइट। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता था, 4s1 3d10, बट प्लस टू मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकालना है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन पहले s से, तो s में तो एक ही है तो एक निकला, फिर उसके बाद एक और निकालना है क्योंकि टोटल टू, तो d से एक जाएगा तो d में 9, तो फाइनली कितना है d में 9। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि लिगेंड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो राइट। तो आपको क्विकली बोला हूँ क्या करना है, ये दो घर फिर वन और फिर वन, राइट। 9 इलेक्ट्रॉन भरने की बात आएगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 9th वन आप यहाँ पे अभी नहीं भरेंगे, ध्यान दो क्यों, समझो, चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 4s वाले हैं यहाँ पे और फिर 4p वाले होंगे, राइट। ये तो आपका 3d का था, ये 4s और ये 4p, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अभी बताया, वो अपना तो दिखाएगा ताकत, तो वो दिखाना कभी कभी भारी पड़ जाता है, तो यहाँ पे भी इसको भारी पड़ जाएगा, इसको शिफ्ट कर देगा वो यहाँ, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो दिखाना ही है, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ध्यान से देखो ये और वाइटल यूजेंगे हाइड्रेशन में, तो कौन कौन यूज हुआ, डी एस पी टू हुआ, तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, बट यहाँ पे ध्यान देना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये μ 1.73 होगा और ये पैरामैग्नेटिक होंगे, तो ये सब पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए ध्यान में ये पॉइंट सब रखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर टू में इस टाइप से बहुत सारा कॉम्प्लेक्स दे देगा, कितने पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हैं या कितने डाया, तो देखो क्विकली कैसे करेंगे, जिसके लिए रफी सर जाने जाते हैं, ध्यान से देखो, ये जो है पहले तीन, ये आपका वही है, कौन, निकलोन TTS वाला, तो आपको ध्यान से देखो, यहाँ पे बताया, यहाँ पे दो डिफरेंट एटम है इवन, तो ये डाया होगा, राइट, तो ये नहीं होगा, ये भी इवन है, डाया होगा, यहाँ पे Cl एक ही टाइप का है एटम, तो ये पैरा होंगे, राइट। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हो गया। 6 में आपको बता रखा हूँ कि 6 में सब के सब पैरा हैं एक्सेप्ट D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड D10, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे -4 है तो आयरन पे +2 है, D6 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यही आपका डाया होगा, पैरा नहीं होगा। इसके बाद इसमें कॉपर अमोनिया वाले में अभी आपने देखा ही सामने में, राइट, ये पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे अब चेक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आयरन +3 में D5, तो लिगेंड कोई भी हो तो ये पैरा होंगे। यहाँ पे अगेन वीक फील्ड लिगेंड है, +2 D6 तो है लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पैरा होंगे, तो पैरा वाले ध्यान से देखो 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, ये PYQ क्वेश्चन से मैंने लिया है, तो इसलिए बेटा ध्यान से देखो रफी सर कैसे एकदम ईजी वे में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये चार ऑप्शन गिवन थे, हाईएस्ट डेल्टा ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, ध्यान से देखो तो सब में लिगेंड सेम है, राइट। तो अब हमें सेंट्रल मेटल एटम को देखना पड़ेगा, विनो 3d से ज़्यादा 4d का होता है, 4d से ज़्यादा 5d का होता है, राइट, और लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है, ये पॉइंट को भी ध्यान में रखना। तो ध्यान से देखो, ये कार मोटर ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं, तो क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम है, तो इन दोनों में तो क्लियर है कि इसका होगा, और फिर रुलाया उसे, तो ये तो और आपका 5d सीरीज का हो गया, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, इसमें सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कि ये आपको टेट्राहेड्रल वाले आपको गिवन है कि लेमडा एब्जॉर्ब 600 नैनोमीटर है, तो ऑक्टाहेड्रल वाले का स्प्लिटिंग एनर्जी बताना है, तो वही मैंने बोला कि कनेक्ट कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आप निकाल सकते हो डेल्टा टी, कैसे निकाल सकते हो, HC/λ से आपको बता रखा हूँ, H की वैल्यू 6.6 × 10⁻¹⁴, C³ × 10⁸, लेमडा आपको गिवन है, यूनिट का ध्यान रखना है 10⁻¹⁹, तो ये अपना जोल्स में आ जाएगा, सब ऐसा यूनिट में पुट किया तो डेल्टा टी आ गया, मुझसे क्या पूछा जा रहा है, डेल्टा ओ, आपको रिलेशन बता रखा हूँ, डेल्टा टी 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ, तो इसीलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा ओ इज इक्वल टू 9/4 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, 9/4 डेल्टा टी, इसको पुट कर दो, 6.6 × 10⁻¹⁴, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 600 × 10⁻¹⁹। अब कुछ बच्चे यहाँ तक पहुँचने के बाद कैलकुलेशन में डरते हैं, नहीं डरना बेटा, ध्यान से देखो, 10⁻²⁰ बनाना है, उसके आगे कुछ नंबरों का ऑप्शन है अपने पास, ध्यान से देखो कैसे करेंगे, ये दो जीरो से इसका दो कम किया तो 6, 9 ऊपर गया तो कितना हो गया 15, 15 में से 34 हटाना है, तो राइट, तो ये सब कट जाएंगे और कट पीट के कितना बचेंगे, 10⁻¹⁹। अब आपके पास क्या क्या बचा है, ध्यान से देखो, इसको अप्रॉक्स 8 पकड़ लो, तो ये 2,
ये 6.6 है, ये 1.1 और ये 3, राइट, क्योंकि इसको भी कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये इतना बचा। लेकिन हमें 10^-21 में चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो 10^-21, तो सिर्फ ये नंबर हमें चेक करना है। तो ध्यान से देखो, ये 6 × 100 तो 600 से बहुत ज़्यादा होगा, 600 × 1.1 है तो कितना के आसपास आ जाएगा, ये 750 के आसपास आ जाएगा, राइट। ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत आगे है और ये कम है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पे भी अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड डजेंट मैटर, क्योंकि ऑलवेज हाइड्रेशन SP3 रहेगा, शेप टेट्राहेड्रल रहेगा और डायमैग्नेटिक रहेगा। एग्जांपल जैसे जिंक +2 में है, राइट, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, तो आपका लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्या बोलना है, SP3 टेट्राहेड्रल। वैसे ही जिंक यहाँ पे भी +2 में है, क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, बट डजेंट मैटर, क्यों, क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D10 कॉन्फ़िगरेशन में होगा तो आपको नहीं सोचना है। पॉइंट नंबर 2 कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑलमोस्ट सारी चीज़ को एक्सप्लेन करती है, ये जितना भी आपको बताया सब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ही एप्लीकेशन है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई उसको, कि ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं बता पा रही है। जैसे कार्बोनिल और CN- में अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पर माइनस चार्ज है, तो इसका ज़्यादा होना चाहिए स्प्लिटिंग, लेकिन एक्चुअल में किसका है, इसका, जो आपको याद भी करवा रखा हो, अमोनिया पायरिडीन NDP नाइट्रो सुने किसकी, उस वाले ट्रिक से, तो ये एक्सेप्शन है, तो ये कभी अगर पूछ ले तो ध्यान रखना है कि ऑर्डर सिर्फ नहीं बता पाता, बाकी सारी चीज़ें इससे एक्सप्लेन होती है। और पॉइंट नंबर 3 थोड़ा रटने वाला पॉइंट है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, जो आपको ध्यान में होना चाहिए, क्लोरोफिल जिसकी वजह से प्लांट के जो लीफ हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, उसमें मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, राइट, तो डैट मीन्स एस ब्लॉक के एलिमेंट भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। विटामिन B12 में कोबाल्ट होते हैं, एंटी कैंसर एजेंट प्लेटिनम, सिस प्लेटिन भी बोलते हैं उसको, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बात भी करेंगे, तो प्लेटिनम उसमें सेंट्रल मेटल होता है, और रोहिडियम वाले जो हैं इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट, तो इसके बारे में थोड़ा अगर आप याद रख सको तो याद रखना। हेलो एवरीवन, कसा काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा उस ट्रिक से आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट में कर लोगे। तो ध्यान से देखो, बहुत इजी है। फर्स्ट थिंग, आइसोमर किसको बोलेंगे, हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्शन होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमर, और अगर अरेंजमेंट डिफरेंट होगा तो स्टीरियो आइसोमर, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूंगा स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में। तो वेरी सिंपल है, टोटल 4 टाइप हैं जिस पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी सिंपल, पहला है आयोनाइजेशन, नेम से ही क्लियर होगा। आयोनाइजेशन मतलब जब इसको वाटर में डालोगे तो डिफरेंट आयन मिलेंगे, तो वेरी सिंपल है। आयन आपको कहाँ चेक करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ये ध्यान रखना, अंदर वाला कभी भी ब्रेक नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो इसके अंदर हो गए वो पैक हो गए, अब वो ब्रेक नहीं होंगे। तो जैसे ये दोनों कंपाउंड को अगर मैं चेक करूँ तो क्या पहले मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, यस, प्लेटिनम है, 4 अमोनिया है, 2 क्लोरीन है, 2 ब्रोमीन है, इसको वाटर में डालोगे तो क्लोराइड आयन मिलेगा, जिसकी AgNO3 से रिएक्शन कराओगे तो AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, जबकि इसको वाटर में डालेंगे तो ब्रोमाइड आयन मिलेगा, अब क्लोराइड नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये अंदर चला गया, तो अब AgNO3 से करवाओगे तो AgBr मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे AgBr और AgCl दोनों मिलेगा, राइट, बट ये तीनों एक तरह से क्या हो गए, डिफरेंट आयन देंगे वाटर में, इसलिए आयनेशन, तो ये देख के पहचान जाओगे, इसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है। वैसे ही दूसरा होता है सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तो ये नेम से क्लियर है, डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल इसमें होते हैं, राइट, जैसे यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड में है, तो इसको हीट करोगे तो इसके मास में लॉस नहीं होगा, इस टाइप से एप्लीकेशन लेगा, लेकिन अगर मैं इसको हीट कर दिया तो ये वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएगा, तो इसके मास में लॉस हो जाएगा, राइट, तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट देख के पता लग जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर होना चाहिए डिफरेंट, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला ध्यान दे सेम होना चाहिए, पहले वो चेक कर लेना, जब तक मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा आइसोमेरिज्म की बात करना गलत बात है। ओके, लिंकेज आइसोमर वेरी इंपॉर्टेंट, और काफ़ी बार इसको यूज करेगा और पूछेगा, तो उसके लिए भी फिक्स है, जब एम्बिडेंट लिंकेज होगा तभी लिंकेज की बात कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी बात नहीं होगी। और एम्बिडेंट कौन है आपको मालूम है, साइनाइड नाइट्रो थायोसाइनाइड, राइट, तो वेरी सिंपल, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
लिंकेज शो करेगा तो यस, किसकी वजह से, इसकी वजह से, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है नाइट्रोजन, तो डिफरेंट लिंकेज होगा, डिफरेंट कनेक्शन होगा, तो इसलिए इसका नाम है लिंकेज आइसोमर और ये पहचान में आ जाएगा, एम्बिडेंट होना चाहिए। वैसे ही लास्ट है कोऑर्डिनेशन, तो ये भी इजीली पहचान लोगे, इसमें दो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कनेक्टेड होंगे वाया सम चार्ज से, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए एक्स और वाई कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जीरो हो गया तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, राइट, चार्ज होगा तभी तो अट्रैक्टेड रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक है और ये एक है, मॉलिकुलर फार्मूला चेक करो, यस सेम है, चेंजेज क्या हो रहे हैं, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे छः अमोनिया के लिगेंड थे, यहाँ पे पाँच हुए, राइट, यहाँ पे छः साइनाइड के थे, यहाँ पे पाँच हुए, इधर अमोनिया आ गया, इधर साइनाइड आ गया, तो जस्ट इंटरचेंज होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो ये बहुत ईजी है, इसलिए ज़्यादा नहीं, इसलिए मैंने जस्ट टू द पॉइंट बात किया बेटा, ज़्यादा फालतू की बात नहीं करना है, वेरी सिंपल है, ध्यान से देख लो, इससे बाहर कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में, और डेट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको बोलोगे, जिसमें डायरेक्टली मेटल अटैच होगा किससे, कार्बन से, डैट मीन्स मेटल और कार्बन के बीच कोवलेंट टाइप का अगर बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक, जिसमें ध्यान रखना है सम एक्सेप्शन है, कभी भी मेटल के साइनाइड, मेटल के कार्बाइड और मेटल के कार्बोनेट, इन तीनों को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं बोलते हैं। बाय द वे इसमें मेटल का डायरेक्ट कनेक्शन है कार्बन से, बट इसको ऑर्गेनिक मेटेलिक नहीं बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें आयनिक करेक्टर बहुत ही ज़्यादा है, जनरली कोवलेंट करेक्टर होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो पॉइंट क्लियर हो गया, तो इन तीनों को नहीं मानते। इसके टाइप, तो ऑर्गेनोमेटेलिक में सिग्मा बॉन्डेड हो सकता है, राइट, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, पाई बॉन्डेड हो सकते हैं, एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ये वाले हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्डेड वाले जैसे R2ZN, राइट, डाई एल्काइल जिंक वाले हो गए, RMGX ग्रिग्नार्ड एजेंट जो काफ़ी यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, R2CD डाई एल्काइल कैडमियम ये भी यूज करते हैं, राइट, थोड़ा माइल्ड ये न्यूक्लियोफाइल है, टेट्रा इथाइल लैड जहाँ पे लैड और कार्बन के बीच बॉन्डिंग है, एंटी नॉकिंग एजेंट बोलते हैं, सिमिलरली TiCl4 ये ऑर्गेनोमेटेलिक है, लेकिन एल्युमिनियम वाले जो है कार्बन से अटैच है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में यूज होता है, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें ध्यान से देखो, सब में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है मेटल और कार्बन के बीच, इसीलिए इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्डेड, और ये सब के सब क्या आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ध्यान रखना, चार ऑप्शन देकर के पूछा जा सकता है। सिमिलरली पाई बॉन्डेड वाले में इंपॉर्टेंट है GS सॉल्ट बोलते हैं उसको, राइट, जहाँ पे प्लेटिनम आपका हो गया तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो स्क्वायर प्लेनर, 3 क्लोरीन है और एक एल्कीन का डबल बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड डोनेट होता है, इसलिए पाई बॉन्डेड बोलते हैं इस। तो ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछा जा सकता है, राइट, टोटल सिग्मा कितने हैं, तो काउंट करो 1, 2, 3 और ये 4, ये तो प्लेटिनम के हो गए, एल्कीन के 4 हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन वाले 8, और ये दो बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, राइट, तो टोटल 9 हो जाएंगे, इस टाइप से आपको पूछा जा सकता है। और जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, जो मेटल कार्बोनिल के नाम से हम जानेंगे, इसमें मोनो हो सकता है, बाई हो सकता है और पॉली हो सकता है। मोनो मतलब एक ही सेंट्रल मेटल एटम है, मोनोटाइप, बाई मतलब दो सेंट्रल मेटल एटम है, दोनों सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी, और पॉली मतलब दो से ज़्यादा है सेंट्रल मेटल एटम। तो मेटल कार्बोनिल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, मेजर हमारा पॉइंट यही है, इसलिए इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो जस्ट ये इंट्रोडक्शन हो गया जो आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल को पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया और बहुत ईजी वे में समझाया, ध्यान से समझो। कार्बन मोनोऑक्साइड में सबको मालूम है बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, MOT थ्योरी से सब जानते हैं, राइट, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर था वो इसको कोऑर्डिनेट करता है, जिसकी वजह से इस पर निगेटिव आया, इस पर पॉजिटिव आएगा। कार्बन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, देख लो, 2, 2, 4 और ये भी शेयरिंग वाले हैं, तो 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट, तो ये है आपका कार्बोनिल। अब क्या होता है कि ये जो कार्बन पे लोन पेयर है वो कार्बन लोन पेयर देता है मेटल को, तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। फिर मेटल के पास भी डी सबशेल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मेटल इसको CO को देता है, और CO को कैसे देता है, तो इसके एंटी बॉन्डिंग में, तो चूंकि फिर से बॉन्ड बन रहा है तो पहला सिग्मा होता है, रेस्ट जितने होते हैं पाई होते हैं, इसलिए ये पाई बॉन्ड, इसलिए सिग्मा पाई दोनों यहाँ पे कनेक्शन होता है। जब भी इस टाइप का हो, जब लिगेंड आपका मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा हो तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और मेटल फिर आपको लिगेंड को दे रहा हो तो पाई बॉन्ड, और इस टाइप की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, ध्यान रखना, सिनर्जिक बॉन्डिंग, जहाँ पे सिग्मा पाई दोनों फॉर्म हो रहा है, राइट।
डोनेशन, वही पॉइंट है यहाँ पे, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिगेंड जो है वो मेटल को दे रहा है, राइट, और कैसे दे रहा है, तो मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए तभी दे पाएगा, इसलिए डी ऑर्बिटल लेते हैं। सिमिलरली डोनेशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, मेटल के पास जो अपना डी इलेक्ट्रॉन है वो देता है लिगेंड को, और लिगेंड को कहाँ पे देगा, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जैसे सीओ का मैंने एमओटी डायग्राम बनाया जो कि सबको मालूम होता है, मैं लास्ट वाला दिखाया हूँ, तो ये पाई होते हैं, ये सिग्मा 2pz, ये पाई स्टार वाले हैं, राइट, ये खाली है, तो मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो कहाँ जा रहा है, पाई स्टार वाले में, ये भी पूछा जा सकता है, सीओ के कहाँ जा रहा है, पाई स्टार वाले में, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। बॉन्डिंग कैसा होता है वो भी समझाया है कि जब कार्बन आपका लोन पेयर देगा मेटल को तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, फिर मेटल जब कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में डालेगा तो पाई बनेंगे, और दोनों को फिर एक साथ दिखाया कि ये सिग्मा है और ये वाले जो है वो पाई हैं, तो इस टाइप की बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये तो सबको समझ में आ जाता है, इसका एप्लीकेशन कैसे लेगा वो, तो वेरी इंपॉर्टेंट यहीं पे है, ध्यान से देखो बेटा कि मेटल पे अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो डैट मीन्स मेटल के डी ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो कार्बोनिल का होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, वो कम होगा। कैसे, ध्यान से देखो और समझो कि मेटल पे नेगेटिव इंक्रीज होने मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इधर बॉन्डिंग करेगा, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, राइट, बात समझ में आ गई, तो ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, मतलब ये ट्रिपल तीन बॉन्ड हो सकता है दो बॉन्ड में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, तो इसलिए मैंने लिखा है कि मेटल पे नेगेटिव बढ़ेगा तो बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, तो ये अगर इधर की तरफ बॉन्ड बढ़ा रहा है तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का कम होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखना, और वाइस वर्सा उल्टा, अगर इधर कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्डिंग इधर की तरफ बढ़ेगी, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा, और इसका इधर की तरफ बॉन्डिंग होने से कार्बन और मेटल के बीच का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, राइट। क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, एक यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी लिया है, MnCO6 प्लस चार्ज है, CrCO6 VCO6 माइनस है, तो सब में अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड का पूछा जा रहा है कि किस में ज़्यादा ऑर्डर होगा, तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा थ्री होगा, क्यों, क्योंकि वैनेडियम पे क्या गया माइनस, तो माइनस आने की वजह से ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, राइट, तो मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड बढ़ेंगे, तो अगर मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड का पूछा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा थ्री में, फिर उससे कम टू, फिर उससे कम वन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेटल पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्रोमियम पे जीरो है, यहाँ पे मेटल पे पॉजिटिव है, वैकेंसी है, राइट, वेरी सिंपल। इसका उल्टा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पूछा जाए, इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पूछा जाएगा तो ध्यान से देखो माइनस वाले में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेटल डोनेट कर रहा होगा तो ये बॉन्ड इधर की, तो कार्बन ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे कम किस में होगा, थ्री में, इसलिए वन सबसे ज़्यादा, फिर टू, फिर थ्री, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर के बारे में बात होंगी, तो सबका जो बेसिक पॉइंट है और जो रफी सर का ट्रिक है वो ये है कि आपको सेंट्रल मेटल एटम का जो नियरेस्ट नोबल गैस होगा उसके इतना इलेक्ट्रॉन कर देना है, चूँकि मैंने बता ही रखा है इसमें 100% आपका सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, 3D सीरीज का, तो उसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन हो गया, क्रिप्टन, उसका एटॉमिक नंबर कितना, 36, तो आपको देखना है कि उसका EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो रहा है कि नहीं, बस यही पॉइंट है, ध्यान देना EAN को 36 कर देना है, कैसे, ध्यान से देखो NiCO4 क्या इसमें 36 हो रहा है, निकेल का खुद का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 28 एटॉमिक नंबर, कोई चार्ज नहीं तो 28, और ये चार बॉन्ड बनाया, हर बॉन्ड का दो लेना आपको, तो 28 प्लस 8 कितना हो गया, 36, फॉलो हो रहा है EN रूल, तो ये अपना स्टेबल है, टेट्राहेड्रल है, sp3, इसके बारे में बता रखा हूँ। वैसे FeCO5 तो आयरन का हो गया 26 इलेक्ट्रॉन, राइट, कोई चार्ज नहीं, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, CO5 5 है तो 5 का 10 लेना, राइट, डबल करना है, क्योंकि ये जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, राइट, तो कितना हो गया 26 प्लस 10 36, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है EN रूल को, ध्यान से देखो, बस आपको EN को फॉलो कराना है, क्योंकि इस केस में होगा ही फॉलो चाहे कैसे भी करके। इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 5 वाले हैं, राइट। सिमिलरली CrCO6 क्रोमियम कितना हो गया, 24, राइट, और यहाँ पे 6 हैं तो प्लस 12 हो जाएंगे, 6 का डबल 12, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 36, अगेन देखो नियरेस्ट नोबल गैस,
छः हैं तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएंगे, तो इस सब में फॉलो हो रहा है। वो केस जहाँ पे फॉलो नहीं होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, जैसे MnCO5 तो मैंगनीज का 25 और CO5 है तो 10, तो कितना हो गया 35। अब इसको क्या करना है 36, तो इसके पास दो रास्ते हैं। 36 कैसे कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर करके, इसलिए क्या कर लेगा ये माइनस, तो राइट, तो इसलिए ये एक अच्छा क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग वो होते हैं जो अदर को ऑक्सीडाइज करें, इट सेल्फ रिड्यूस हो, तो पूछा जा सकता है, चार ऑप्शन दे दिया विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कभी भी MnCO5 इस फॉर्म में रहेगा ही नहीं बेटा, या तो वो इस फॉर्म में चला जाएगा टू कंप्लीट द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इसलिए मैंने बोला कि कार्बोनिल के केस में ऑलवेज EN रूल फॉलो होता ही है, और नहीं तो डाइमर बना लेगा, अगर ऐसा नहीं किया तो डाइमर बनाएगा दो मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा Mn2CO10 यहाँ पे होगा। इसका स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट स्ट्रक्चर बनाने में फिर से वही पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको दोनों मैंगनीज का इलेक्ट्रॉन कितना कर देना है 36। तो अभी मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा, वैसे ही MnCO6 है तो यहाँ पे 25 प्लस 12 कितना हो गया 37। अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा तो इसलिए ये कहाँ चला जाएगा प्लस में, तो ये एक अच्छा क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगेन MnCO6 एग्जिस्ट नहीं होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच कैन नॉट एग्जिस्ट, विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, सबका वही फंडा है कि 36 करना है, चूँकि 37 हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसलिए एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या तो ऐसे कर सकता है। वैसे ही CO4 कोबाल्ट है, राइट, दोनों को सेम मत समझ लेना, ये कोबाल्ट है ये कार्बोनिल है, तो कोबाल्ट का हो गया 27 और इसका 8 दैट इज 35। अगेन इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो माइनस कर सकता है, तो अगेन ये एक अच्छा क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, या फिर ये भी क्या कर सकता है डाइमर में चला जाए, राइट। फिर से इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, कितने ब्रिज लिगेंड होंगे, एवरीथिंग पूछा जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ नेक्स्ट, इसके स्ट्रक्चर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, Mn2CO10 के स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो आपको अगर नहीं मालूम है तो आपको सिंपल एक पॉइंट बताया है, नियरेस्ट नोबल गैस जैसा इसका इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए। मैंगनीज में कितना इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है 25, इसको कितना चाहिए 11 इलेक्ट्रॉन 36 होने के लिए, राइट। तो कैसे होगा ध्यान से देखो, तो ये CO कितने हो गए 5, क्योंकि 10 है तो 5 इसको 5 इसको, तो कितना हो जाएगा 35। तो इसलिए एक मैंगनीज मैंगनीज के बीच बॉन्ड बना देना है, ये शेयरिंग वाले हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 36। कैसे, मैंगनीज का 25 था तो 24 अभी तक बॉन्डिंग नहीं किया है, और 25th वाला एक एक बनाया है, तो ये दोनों में काउंट होंगे, तो अभी कितना हो गया ये 26 ये और ये 10 CO के, एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, राइट। तो 36 हो गए, इसके भी 36। अब इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इसमें कितने ब्रिजिंग कार्बोनिल है, तो एक भी कार्बोनिल ब्रिजिंग नहीं है, जीरो आंसर हो जाएगा। और क्या पूछा जा सकता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग, यस, जितने भी मेटल कार्बोनिल है सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रहा है। टर्मिनल मेटल CO बॉन्ड कितना है, तो ध्यान से देखो 5 और 5 10 है यहाँ पे टर्मिनल मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, या फिर मेटल मेटल के बीच बॉन्ड कितने हैं, तो यहाँ पे एक बॉन्ड है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा CO2CO4, तो अगेन वही सेम पॉइंट, अगर नहीं मालूम है ये सब स्ट्रक्चर देख करके डरना नहीं, हमें करना क्या है कोबाल्ट का 36 करना है, कोबाल्ट खुद कितना है 27, अब इसको और कितना चाहिए, तो आपको मालूम है टोटल 9 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और हमारे पास कार्बोनिल कितना 8, तो पहले 3-3 हमने दोनों को दिया, तो ये ध्यान से देखो, इसलिए मैंने ये दिखाया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला है, राइट। तो ये 6 आ गए, तो 27 प्लस 6 कितना हो गया 33, अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, तो कोबाल्ट क्या करेगा 27 में से 24 इलेक्ट्रॉन को तो बॉन्डिंग में यूज नहीं करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को करेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड, तो अब ये 2-2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, राइट, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो वही चीज़ क्या है, कोबाल्ट ये सिंगल सिंगल दिखाया है, तो 27 था, अभी इसका 24 जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुआ, और 3 इलेक्ट्रॉन को ये दिखाया है जो कि 27 हुआ, ये इससे एक बनाया, तो ये दोनों इसके भी काउंट होंगे, उसको भी काउंट होते हैं, राइट, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा ही होता है, फिर ये वाले भी काउंट होंगे और ये वाले भी काउंट होंगे। तो ध्यान से देख लो, 24 प्लस ये 6 तो 30 हो गया, और इधर से ये 3, 2 और 2 और ये 2, तो 6 कितना हो गया 36। तो ओवरऑल आपको देखना है कि 36 हो रहा है कि नहीं, तो ये स्टेबल हो गया। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है, सेम वही, ब्रिजिंग कार्बोनिल कितना है, तो ब्रिजिंग कार्बोनिल इसमें कितने हो जाएंगे 2। सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, यस,
टर्मिनल मेटल कार्बोनिल बॉन्ड कितना है, तो टर्मिनल तीन और इधर तीन, तो छः हो जाएगा उसका आंसर। मेटल मेटल के बीच बॉन्ड है, यस है, वन मेटल मेटल बॉन्ड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा और पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। ट्रिक का एक ही फंडा है, आपको सेंट्रल मेटल एटम का 36 इलेक्ट्रॉन करना है, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को ये फॉलो करेगा ही। और जाते जाते ज्ञान की बात, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि निकेल प्लस टू को अगर पहचानना हो सॉल्यूशन में कि निकेल प्लस टू का आयन है कि नहीं, तो आप डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम डाल दें। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम का मतलब क्या है, सी डबल बॉन्ड एन पे OH जो होता है उसी का H हटा करके माइनस आया, तो इसको बोलते हैं ऑक्साइम। और डाईमिथाइल मतलब दो मिथाइल होंगे, तो इधर भी सी डबल बॉन्ड एन OH हो गया, तो ऑक्साइम उसमें मिथाइल, तो डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। इसमें दोनों नाइट्रोजन डोनर होते हैं जो निकेल प्लस टू से कोऑर्डिनेट होते हैं। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांच मेंबर की रिंग बनती है। तो NIDMG2 इसका कलर ध्यान रखना है, ब्लड रेड कलर होता है, राइट, खून जैसा कलर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी निकेल प्लस टू को पहचानना और डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम डालो, अगर रेड कलर आ रहा है तो डेफिनेटली वही है 100%। तो इसलिए ये सॉल्ट एनालिसिस में यूज भी होगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा सिल्वर मिरर टेस्ट, राइट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी यूज करते हैं, राइट। तो उसमें एक्चुअली AG किस में होता है, प्लस वन में, AgNH3O2, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जो कैसे बन सकता है, जब सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन एक्सेस ऑफ NH4OH से करा देंगे, तो सिल्वर सेंट्रल मेटल हो गया, यहाँ पे अमोनिया एज ए लिगेंड का काम करेगा, तो ये कंपाउंड बनता है। ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्यों, क्योंकि सिल्वर यहाँ पे क्या है, प्लस वन में जो जीरो में जाना चाहेगा, छापा वाले, राइट, बता रखा हूँ यह सब ट्रिक आपको। तो इसलिए ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, राइट, बट कीटोन को नहीं करता है, तो वहाँ पे यूज भी करते हैं ऑर्गेनिक में। वैसे ही एक फेलिंग सॉल्यूशन है, राइट, जिसमें एक्चुअली कॉपर प्लस टू में होता है, राइट, और ये वाला एक बिग कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, दो एसिड ग्रुप है इसमें और दो OH है, तो यहाँ से ये बाइडेंटल लिगेंड का काम करता है, यहाँ और यहाँ से। तो अगेन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कॉपर प्लस टू से कहाँ पर जाता है, प्लस वन में। ये भी क्या यूज होता है, ये भी अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में, राइट, ओनली कीटोन को नहीं। तो ये दोनों यूज होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंस था। हेलो एवरीवन, कैसे हो, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक से आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमर से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को विद इन वन मिनट कर लोगे। तो इसलिए ध्यान से देखना इस ट्रिक को और ध्यान से समझना इस ट्रिक को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये वाला जो पार्ट है वो बहुत टफ है, या इसमें ये पर्टिकुलर पैटर्न को याद रखना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रिक का पॉइंट सबसे पहले समझ लें कि स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या है, कि डिफरेंट अरेंजमेंट होगा स्पेस में, डिफरेंट ओरिएंटेशन होगा लिगेंड का, तो वो स्टीरियो आइसोमर में काउंट होते हैं, राइट। तो हमारे पास जो सिलेबस में पढ़ना है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप पहले चेक कर लो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगर sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल शेप होगा, और अगर dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर, जिसके बारे में बॉन्डिंग में अच्छे से ट्रिक दे रखा हूँ। एक बार अगर आपको पता लग गया कि sp3 है, टेट्राहेड्रल है, तो उसमें कभी भी GI पॉसिबल ही नहीं होगा, तो GI सोचना नहीं उसमें। ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है अगर चारों के चारों लिगेंड क्या होने चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो यहाँ पे बहुत कम पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली अगर स्क्वायर प्लेनर आ गया तो OI ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, GI पॉसिबल है, और कैसे होंगे तो उसका हम डिस्कस करेंगे। पहले एक ओवरव्यू, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। वैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो GI पॉसिबल है और OI भी पॉसिबल है, कैसे होगा वो अभी मैं आपको ट्रिक दूंगा। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर, OI ऑप्टिकल, SI स्टीरियो आइसोमर, जिसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों काउंट होते हैं, CN यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो पहले तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए अच्छे से। ट्रिक में जाने से पहले सम ऑफ द नोटेशन की बात करते हैं, जो एग्जाम में प्रॉब्लम में दिए भी जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझना, वेरी सिंपल। मोनोडेंटेड लिगेंड को हम स्मॉल लेटर ABCD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वैसे ही बाइडेंटेड लेटर को कैपिटल लेटर से, और चूंकि इसमें दो डोनर आइटम होंगे तो इसलिए दो बार दिखाना है। अगर सेम डोनर है तो AABBCC ऐसा यूज कर सकते हो, और अगर डिफरेंट डोनर आइटम है तो ABBC CD XY इस टाइप का कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करूँगे, जस्ट ये बताने के लिए कि डिफरेंट डोनर आइटम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे PtCl4, तो यहाँ पे PT सेंट्रल मेटल हो गया, तो M क्लोरीन एक मोनोडेंटल लिगेंड है, तो स्मॉल लेटर को भी यूज कर लो, और उसके नंबर 4 है तो A4। आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, MC4 ऐसा भी दिखा सकते हो,
राइट। ओनली थिंग इज कि वो पता लगना चाहिए कि मोनोडेंटल लिगेंड है स्मॉल लेटर से पता लग गया, और वो सेम टाइप के चार हैं तो चार आपने दिखा दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो PTM हो गया राइट, क्लोरीन दो है, अमोनिया दो है, दो डिफरेंट टाइप के, तो दो लेटर यूज करो, A2, B2, C2, D2 ऐसा कुछ भी यूज कर सकते राइट। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, Cl है एक, अमोनिया है दो, नाइट्रो एक है, ध्यान देना बेटा ये टू मत ले लेना, ये NO2 पूरा है और Br2 है। तो कैसे M A एक हो गया राइट, B2 डिफरेंट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सब डिफरेंट लिगेंड है, ये C मान लिया तो ये फिर D2 ऐसा राइट। कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप सीरियल ऑर्डर में, जस्ट समझाने के लिए। ये वैसे ही अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो M आ गया PT राइट, EN इथिलीन डायमीन बाइडेंटल लिगेंड है और दोनों डोनर सेम है, तो इसलिए AA और उसके नंबर हैं 2, तो 2। ऑक्सिलेट दोनों डोनर एटम सेम, तो इसलिए BB और AA फिर से यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए यूज कर लिया राइट। तो डिफरेंट लिगेंड है इसलिए डिफरेंट लेटर यूज करना है। वैसे ये वाले में ध्यान से देखो तो PT के लिए M आ गया राइट, कोई भी सेंट्रल मेटल हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने ज़्यादा PT लिया तो PT होगा बेटा, ऐसा नहीं है, कोई भी सेंट्रल मेटल M। और यहाँ पे ग्लाइसिनेट दो डिफरेंट डोनर आइटम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो इसलिए AB हमें दिखाना पड़ेगा और उसके नंबर 2 है तो 2, ये मोनोडेंटेट हो गया Cl, उसके नंबर है 2 तो 2। तो ये आपको पहले समझवाना चाहिए क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस फॉर्म में भी आ सकता है और इस फॉर्म में भी, तो पहले क्लियर होना चाहिए। नाउ पॉइंट इज कि ऑप्टिकली इनएक्टिव वर्ड कहीं पे यूज करें, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में OIA भी लिख सकता हूँ, उसका मतलब होता है अकायरल, कायरल से पहले A लगा हुआ है, ध्यान देना अकायरल, उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। वैसे ऑप्टिकली एक्टिव उसको OA से मैं रिप्रेजेंट करूँगा, उसका मतलब होता है कायरल राइट। कायरल और कायरल का सेंस कैसा है, या कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर कब शो करेगा, उसके लिए जो मेजर कंडीशन है वो ये है कि उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, वैसे ही सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो डेफिनेटली वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, डैट मीन्स कायरल होगा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, तो वेरी सिंपल, कोई भी एक इमेजिनरी प्लेन से आप मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में कट करो, अगर दोनों पार्ट सेम आ रहा है, मिरर इमेज आ रहा है, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री रखेगा। जैसे इस केस में अगर मैं ऐसे कट करूं तो इधर 2 ए हैं और इसी का मिरर इमेज है, तो इसका मतलब ऐसे अगर मैं कट करूंगा तो POS इसमें प्रेजेंट है और POS है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, डैट मीन्स अकायरल हो जाएंगे। वैसे ही सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, मेटल के सेंटर बैठ करके 180 डिग्री पे जाना आपको, तो A के सामने A आ रहा है, B के सामने B आ रहा है, C के सामने C आ रहा है राइट, तो इसमें COS प्रेजेंट है और COS प्रेजेंट है तो अगेन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, डेट इज अकायरल होगा। तो दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो गया तो मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, दोनों ही एबसेंट है, ध्यान दे दोनों ही एबसेंट है तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन वही चीज़ है कि सर क्या मैं बार बार इतना चेक करूँ, नहीं, ये जस्ट बेटा एक कंसेप्ट बताने के लिए, रफ़ी सर का ट्रिक आ रहा है, उससे आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मॉलिक्यूल मिला आप बता दोगे कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं, ऑप्टिकल शो करेगा कि नहीं और उसमें कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे, सब आप ट्रिक से बता दोगे। पहले ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव का प्रैक्टिकल क्या मीनिंग है वो समझ लेते हैं। वेरी सिंपल कि आप एक ऑर्डिनरी लाइट को एक निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट को अलाउ करता है, तो इसलिए ये कहलाता है प्लेन पोलराइज लाइट, PPL प्लेन पोलराइज लाइट राइट। अब अगर मैं इस लाइट को किसी सॉल्यूशन से पास करूं और अगर ये लाइट रोटेट हो जा रही है इधर लेफ्ट या राइट तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लाइट अगर रोटेट या डिफ्लेक्ट हो रही है तो फिर इसमें जो भी कंपाउंड आपने डाला है वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। अगर लाइट वैसे ही चली गई कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव राइट। एक पॉइंट और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे यहाँ पे ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा क्योंकि दो रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में, तो ये खुद होंगे और इसका मिरर इमेज होगा, तो अगर सॉल्यूशन में ये दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो उसको बोलते हैं इनांशियोमर, और इनांशियोमेरिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये बच्चों को समझने में दिक्कत होता है, वेरी सिंपल, कैसे ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में अगर ये दोनों इक्वल अमाउंट में है तो क्या करेगा, अगर ये
राइट रोटेट करने की कोशिश किया तो ये वाले लेफ्ट करेंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेट अमाउंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये लाइट रोटेट होती हुई दिखेगी नहीं, इसलिए आपको लगेगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बट एक्चुअल में अगर दोनों को इंडिविजुअली अगर कर दो और उसके बाद लाइट पास करो तो फिर वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। तो इसलिए इनांशियोमेरिक मिक्सचर जो होते हैं वो ओवरऑल ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। दैट डजंट मीन कि आपका कंपाउंड इनएक्टिव है, राइट? क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल लेंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो इस बात पे ध्यान देना, बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, जो कि मैंने क्लियर कर दिया। नाउ अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 या टेट्राहेड्रल है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है। अगर मैं किसी को इंटरचेंज भी किया तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो, मैंने इसको यहाँ से हटा करके इसको यहाँ लगाया तो अभी भी दोनों में डिस्टेंस क्या है, सेम ही है, राइट? चूंकि सारे बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे, इसलिए इसमें इंटरचेंज करेंगे तो स्पेशल अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा, इसलिए इसमें GI पॉसिबल ही नहीं है। और OI पॉसिबल हो सकता है अगर आपका जो लिगेंड है चारों को चारों क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि इसमें फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है और दो ही पॉइंट है कि अगर sp3 टेट्राहेड्रल हो गया तो GI पॉसिबल नहीं है, OI पॉसिबल है जब चारों लिगेंड डिफरेंट हो। दैट्स इट। DSP2 डेट मीन्स स्क्वायर प्लेनर होगा तो फिर GI तो पॉसिबल है लेकिन OI पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लेनर हो गया तो ऑलवेज उसको मैं स्लाइस कट कर सकता हूँ तो उसमें POS ऑलवेज प्रेजेंट होंगे, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। GI शो कर सकता है और वेरी लिमिटेड है, वेरी सिंपल। MA2B2 अगर दो डिफरेंट लिगेंड दो दो बार हों तो उसके दो होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान से देखो, AA के बीच ये डिस्टेंस है और यहाँ पे AA के बीच ये डिस्टेंस है। बस यही पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ, स्पेशियल डिस्टेंस चेंज हो गया तो इसका मतलब GI वो शो करेगा। तो इसलिए MA2B2 के दो ही GI हो सकते हैं, ये ट्रांस कहलाएंगे, राइट? क्योंकि एंटी पोजिशन पे और ये पास में है तो सिस कहलाएंगे। वैसे ही अगर चारों डिफरेंट लिगेंड अगर मैं कर दूं MABCD तो ऐसे केस में कैसे थिंक करना, आपको A को फिक्स करो तो A के सामने एक बार B लाया, फिर A को फिक्स किया हुआ है, A के सामने C लाया, फिर A को फिक्स किया हुआ है, A के सामने एक बार D लाया, यही तीन पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए इसमें GI कितने हो जाएंगे, 3। इसमें बाय द वे हम सिस ट्रांस की बात नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि कॉमन कोई नहीं है। MA2 और इसको BC कर दूं तो भी वही बात रह जाएगी, क्योंकि एक इंटरचेंज करोगे, राइट? तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ भी GI कितने रहेंगे, 2। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और किसी बच्चों को प्रॉब्लम भी नहीं होती, बस इतना ही है। नेक्स्ट अप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 1 में आपको चार ऑप्शन गिवेन है, विच कैन शो GI। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे निकेल है, वीक फील लिगेंड है, राइट? और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसमें GI पॉसिबल ही नहीं होगा। ये नहीं कि MA2B2 लगा दिया, बेटा पहले चेक करना है ये टेट्राहेड्रल तो नहीं है। यहाँ पे NiCO4, ये वैसे भी MA4 है तो चाहे वो टेट्राहेड्रल हो स्क्वायर प्लेनर हो दोनों ही केस में नहीं होगा। बाय द वे अगेन ये टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे PT तो यहाँ पे सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील होते हैं बता रखा हूँ, और DSP2 हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर और ये वही है MA2B2 टाइप है। तो यस, ये GI शो करेंगे। और यहाँ पे फिर से ये कैसा हो गया, MA3B, तो ये नहीं शो कर सकता। क्यों? क्योंकि आप अगर चेक करोगे तो यहाँ पे इंटरचेंज करने से स्पेशल डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा। जैसे अगर मान लो आपने ऐसा एक बनाया कि यहाँ पे सर मैं B को इधर कर दूँ A को, तो अभी देखो AA का डिस्टेंस यही है, अभी भी AA का डिस्टेंस है, तो इसलिए इसमें GI पॉसिबल नहीं। और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आपको, ये जो है PT NH3, तो 2 NH3 आप एंटी पे रख सकते हो, डेट इज ट्रांस, और एक बार दोनों NH3 को आप क्लोज पोजिशन पर रख सकते हो, डेट इज सिस। तो ये जो सिस प्लेटिन है, इसको सिस प्लेटिन बोलते हैं, ये एक एंटी कैंसर एजेंट है, तो ये भी पूछा जाता है, ध्यान देना, राइट? इम्पोर्टेंट है ये। तो सिस प्लेटिन एंटी कैंसर एजेंट है, तो इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर का इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ में आता है कि सिस प्लेटिन ही वर्क करता है, एंटी वाला नहीं करता है। इसीलिए ध्यान से देखो, इसको और कैसे अप्लीकेशन ले सकता है, सिस प्लेटिन जो है वो EN2 से रिएक्ट कर सकता है, इथिलीन डायमिन से। क्यों? क्योंकि जो लिगेंड अटैच होते हैं वो 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे दोनों CL क्लोज में है तो वो निकल करके EN लग सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों CL कहाँ है, एंटी पे, तो कभी भी 180 पे बाइडेंटल लिगेंड नहीं लगते हैं।
तो इसलिए ऐसा भी पूछा सकता है कि क्या ट्रांस प्लेटिन रिएक्ट करेगा इथिलीन डायमिन से, ईएन से? नहीं करेगा ये, क्यों? क्योंकि दोनों सीएल एंटी पोजिशन पे है तो रिमूव नहीं हो सकते, लेकिन सिस वाले कर सकते हैं, तो ऐसे भी एप्लीकेशन ले सकते हैं। एक कदम आगे आपको सोच के रखना बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर टू में नंबर ऑफ आइसोमर, अब आइसोमर बोल दिया मतलब ज्योमेट्रिकल भी थिंक करना आपको, ऑप्टिकल भी। बाय द वे यहाँ पे ध्यान से देखो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4। कैसे? बाइडेंटेट लिगेंड 2 और मोनोडेंटेट है तो 2+2=4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पीटी हो गया, ईएन मतलब आपका इस टाइप से दिखा लो आप, ये नाइट्रोजन डोनर होंगे, इधर CH2 होगा उसको ऐसे, तो ये नाइट्रोजन डोनर होंगे और यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात बच्चों क्या लगता है, सब नाइट्रोजन डोनर है तो सेम हो गया, ऐसा नहीं है बेटा। ये बाइडेंटेट है, ये अलग है, ये मोनोडेंटेट है, अलग है। भले ही नाइट्रोजन डोनर है बट ये अलग है और वो अलग है, क्यों? क्योंकि ये रिंग वाले हैं और वो विदाउट रिंग वाले हैं, तो एक तो ये बनेगा। चूँकि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एम्बीडेंट लिगेंड है, और एम्बीडेंट होने की वजह से आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, क्यों? क्योंकि एक तो ये पॉसिबिलिटी है, एक और क्या पॉसिबिलिटी है, इधर वाले तो सेम ही रहेंगे, इधर में मैं ऑक्सीजन डोनर कर सकता हूँ एक बार, और एक बार नाइट्रोजन डोनर, तो ये भी डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया, राइट। और एक और पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे तो इधर तो सेम ही रहेगा आपका एन, क्योंकि ऑलवेज बाइडेंटल लिगेंड 90 डिग्री पे अटैच होते हैं, ये ध्यान रखना, 180 पे मत कर देना। और यहाँ पे देखो दोनों नाइट्रोजन डोनर था, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन डोनर कर सकता हूँ मैं, तो एम्बीडेंटल लिगेंड में यही फायदा है। तो यहाँ पे टोटल आइसोमर ध्यान से देखो कितने हो गए, 3, तो इम्पोर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सबसे पहले ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, राइट। तो यू नो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों डायरेक्शन में आपके लिगेंड होते हैं, तो अगर मान लेता हूँ ये एक्स डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन बोर्ड पे दिखा है, लेकिन यू नो कि ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट। तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में लिगेंड है। नाउ GI में आपको कैसे सोचना है, क्योंकि यू नो इसमें ट्रांसपोजिशन कम है, तीन ही है, राइट। ये एक ट्रांसपोजिशन है, एक ये ट्रांसपोजिशन है और एक ये ट्रांसपोजिशन, एक्स वाई जेड एक्सिस वाले ट्रांसपोजिशन है, तो ट्रांस कम है, सिस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऑलवेज आपको जब GI ड्रॉ करना हो तो ट्रांसपोजिशन से सोचना है, सिस ट्रांसपोजिशन आर लेस, इसलिए वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू ट्रांस बाय पुटिंग सेम लिगेंड ऑन ट्रांसपोजिशन। डैट मीन्स ट्रांस पे सेम लिगेंड को रखा, फिर उसके बाद दूसरी जगह पे रखेंगे, डैट मीन्स ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग का सिस्टम इसमें हम अप्लाई करेंगे, अभी मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। अभी दूसरा जो पॉइंट है OI, OI में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होता है और वो दिक्कत एकदम खत्म रफी सर के ट्रिक से। ध्यान से देखो OI के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ड्रॉ GI जो यहाँ से आप कर लोगे, राइट, टेंशन खत्म। उसके बाद वो GI OI शो करेगा कि नहीं, उसके लिए सिंपल तीन पॉइंट है बेटा, सिर्फ तीन पॉइंट, इससे बाहर नहीं जाएगा 100%। पहला पॉइंट की ट्रांसपोजिशन पे चेक करो, सेम लिगेंड तो नहीं आ रहे मोनोडेंटेड वाले, ए के सामने ए, राइट। तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए, ट्रांसपोजिशन पे ए ए आ गया, तो पक्का ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं। इधर ये चार लिगेंड कौन है क्या है उससे मतलब ही नहीं है। अगर मेरे को ट्रांसपोजिशन पे दोनों लिगेंड सेम मिल गए मोनोडेंटेड वाले, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, आंख बंद करके बताना। अच्छा, जरूरी नहीं कि यही हो, यहाँ यहाँ भी हो ट्रांसपोजिशन पे ए ए तो भी, या यहाँ हो तो, राइट। किसी भी तीन ट्रांसपोजिशन में से किसी भी एक ट्रांसपोजिशन पे दोनों लिगेंड सेम है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ध्यान से सुनना और लिख लेना। पॉइंट नंबर टू, अगेन दो ट्रांसपोजिशन पे ए बी टाइप का आ रहा है, दैट मीन्स जैसे इस केस में मान लो ये ट्रांसपोजिशन ए बी, ए की आया, फिर यहाँ पे ए और बी ऐसा आ रहा है, ए बी दो बार अगर आ रहे हैं दोनों ट्रांसपोजिशन पे, तो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बाकी क्या है सोचना ही नहीं है, राइट। तीसरा पॉइंट, अगर दो रिंग बन रहे हैं, डेट इज बाइडेंटल लिगेंड, दो रिंग है और वो परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो ऑप्टिकली एक्टिव, तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक रिंग, ये बोर्ड के प्लेन में, और ये ऐसा मत मानना बेटा, आपको मालूम है ये वाला जो है वो कैसे है, ऐसे है, तो ये रिंग कैसे है? ऐसे है, तो ये रिंग प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया, तो दो रिंग अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ध्यान देना, ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव थे, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। बट अगर दो रिंग एक ही प्लेन में है तो फिर कुछ भी हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव भी इनएक्टिव भी, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें POS या COS है कि नहीं, राइट।
तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। और उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कभी भी रिंग को अटैच करना हो तो ऑलवेज 90 डिग्री पर अटैच करना है। 90 डिग्री का क्या मतलब है वो भी यहाँ पे समझो। जैसे ये दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 90 डिग्री में, तो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं ये सब ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी 90 डिग्री है। कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज आते हैं कैसे 90 है बेटा, ये बॉन्ड जो है वो बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ऐसे है, राइट, तो ये यहाँ से यहाँ अटैच है, तो यू नो ये 90 डिग्री है, तो ये भी करेक्ट है अटैच करने का तरीका, ये भी करेक्ट है। बट ये वाला अब रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि ये ट्रांस पे 180 पे आपने कर दिया है, ये वाले ऐसे हैं तो 180 पे आप नहीं कर सकते, तो ये अटैच करने का तरीका रॉन्ग है, कभी भी नहीं कर सकते। वैसे ही ये वाले भी ट्रांस हो गए, ध्यान से देखो 180 पे, तो ये भी गलत तरीका है। तो ऑलवेज रिंग को 90 डिग्री पर अटैच करना है। इसीलिए जब दो मोनोडेंटेड लिगेंड से रिप्लेस करोगे कि एक बाइडेंटेड को, तो वो दोनों मोनोडेंटेड सिस पे होना चाहिए, 90 पे होना चाहिए, तभी हो पाएगा, 180 पे होगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए सिस प्लेटिन आपका रिएक्ट करेगा इथिलीन डायमिन से, लेकिन ट्रांस प्लेटिन नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको जितना टाइप में अभी बता रहा हूँ बस उतना ही टाइप ध्यान रखना है, क्योंकि 99.9% क्वेश्चन इन्हीं टाइप में से आएगा, क्योंकि मैंने पूरे 20 साल के क्वेश्चन का एनालिसिस किया, इससे बाहर कुछ नहीं गया, इसलिए हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखो। MA6 अगर 6 मोनोडेंटेड लिगेंड हो और सेम हो तो कभी भी GI शो नहीं होगा, नहीं OI। अगर 5 सेम हो और एक डिफरेंट हो तो भी नहीं होगा GI और OI, राइट, ये सबको मालूम होता है। अगर 4 सेम हो और 2 अलग टाइप के सेम हो, MA4B2 टाइप हो, तो यहाँ पे होगा। और जो कम है उसके अकॉर्डिंग सोचो, तो B को मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार सिस पे ले सकता हूँ क्लोज पोजिशन पर, और एक बार मैं ट्रांस पे ले सकता हूँ, इसलिए इसमें GI पूछेगा तो 2। OI चेक करने का आपको ट्रिक दे रखा हूँ, ध्यान से देखो, A के सामने A आ गया ट्रांस तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, यहाँ पे A के सामने A आ गया तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, राइट, सोचना ही नहीं है। तो ऑप्टिकल आइसोमर 0, टोटल स्टीरियो आइसोमर में GI प्लस OI, तो वो भी 2 हो जाएंगे, क्लियर। उसके बाद दूसरा टाइप सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाएगा, MA3B3, दैट मीन्स 3 मोनोडेंटेट एक टाइप के हैं और 3 मोनोडेंटेट वो भी एक टाइप के हैं, बट ये दोनों डिफरेंट है, तो इस टाइप में भी कैसे सोचना है, वही सेम 3 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार ये तीनों को एक प्लेन में रखूँ, तो ध्यान से देखो ये तीनों एक प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, और एक बार क्या करूँ कि ये 3 में 2 को एक प्लेन में रखूँ और एक को प्लेन के बाहर, ऐसे, राइट, ये बाहर वाला है, तो ऐसे वाले को बोलते हैं फेसियल, फैक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब पॉइंट ध्यान रखना, पूछा गया है, जिसमें 2 एक प्लेन में है सेम वाले और एक आउट ऑफ प्लेन है, तो इसको बोलते हैं फेसियल। मैरीडोनल एक बोलते हैं, मर वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, तो कैसे याद रखोगे, तीनों एक ही प्लेन में तो कट कर देंगे, मार देंगे, मर वर्ड से एक ही प्लेन में होंगे तो तीनों मर जाएंगे, तो मर, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो दिख रहा है 2 हो जाएगा। ऑप्टिकल चेक करना बहुत ईजी, ध्यान से देखो कि आपको AB AB कॉम्बिनेशन आ गया, तो गया ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, यहाँ पे बी के सामने बी आ गया ट्रांस पे, एक ही आना चाहिए बस, ये भी गया, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, तो ऑप्टिकल आइसोमर 0, इसलिए स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, 2। तो मोनोडेंटेड में बेटा आपको इतना ही ध्यान रखना है, MA6 नहीं शो करेगा, MA5B नहीं करेगा, MA4B2 GI दो होंगे, और MA3B3 मेरीडोनल और फेसियल, ये ध्यान रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है, 99.9% इससे बाहर नहीं जाएगा। बाइडेंटेड में MAA3 वाला ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ध्यान से देखो 3 रिंग सब 90 डिग्री पर अटैच करना है, तो ध्यान से देखो ये रिंग और ये रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में हो गई, ट्रिक का वो पॉइंट लग गया, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर जाएगा, राइट, क्योंकि काइरल हो गया एक तरीके से, इसमें प्लेन ऑस्मेट्री नहीं है, तो ये एक खुद होंगे और एक इसका मिरर इमेज होगा, तो ज्योमेट्रिकल तो शो ही नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि सारे लिगेंड या डोनर आइटम सेम है इसमें, राइट, तो GI नहीं होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि GI शो नहीं करे, OI शो करे, और ऐसा भी हो सकता है कि GI शो करे लेकिन OI शो नहीं करे, इसलिए ये सब पॉइंट स्टेटमेंट वाले पे भी ध्यान रखना है। तो ऑप्टिकल आइसोमर 2 जाएंगे, एक ये खुद, एक इसका मिरर इमेज, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और स्टीरियो आइसोमर अगेन पूछेगा तो 2, तो ये एक ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार तो यही मिलेंगे आपको। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाले मिलेंगे, 2 बाइडेंटेड लिगेंड और 2 मोनोडेंटेड, MAA2 और A2। तो यहाँ पे आप कैसे थिंक करेंगे, वेरी सिंपल, मोनोडेंटेड को एक बार मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसपोजिशन पे रख सकता हूँ, तो जैसे ही आपने ट्रांस पे रखा तो दोनों रिंग आपका एक ही प्लेन में आ जाएगा, राइट, और ए के सामने ए आ रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर चेक करने का तो झंझट ही खत्म कर दे उस ट्रिक से, तो इसीलिए
ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, अकायरल, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। जीआई पूछे इसका, तो दो हो सकता है, एक बार ए को मैंने कहाँ रखा, ट्रांस पे, और एक बार ए को मैं कहाँ पे रख सकता हूँ, सिस पे, राइट। तो ये ट्रांस वाले हो गए, ये कौन सा आपका ट्रांस है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो जीआई दो हो जाएंगे, राइट। ध्यान दो, ये जो सिस वाला है ये अब ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, कैसे, यहाँ पे दो रिंग ध्यान से देखो परपेंडिकुलर प्लेन में आ गया, दे रखा होगा आपको ट्रिक, दो रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाए तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये और इसका मिरर इमेज, इसलिए ये कायरल होंगे ये दोनों, तो ऑप्टिकल आइसोमर दो होंगे। अब स्टीरियो आइसोमर दो प्लस दो चार मत कर देना, यहीं पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ऐसे प्रॉब्लम लिया है, दो प्लस दो चार नहीं कर देना, क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ये है और ये है, राइट, और ऑप्टिकल में ये है और ये है, राइट। तो आप क्या करो, दो प्लस दो चार में मतलब एक को दो बार काउंट कर लो, हमको एक ही बार काउंट करना है, तो इसलिए जी आई ये वाला एक है, ये ओ आई नहीं है, तो ये एक काउंट होगा, ये जी आई है और ओ आई भी है, तो दोनों में से कोई एक काउंट करो, राइट। तो इसलिए जब कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल भी शो करे तो ऑप्टिकल वाला ही ऐड कर लो, ज्योमेट्रिकल मत काउंट करो क्योंकि वो ऑलरेडी काउंट हो गया आपका, राइट। ये दो और ये एक वन, तो इसलिए स्टीरियो आइसोमर तीन बताना, ध्यान देना चार मत कर देना, क्योंकि आप एक मॉलिक्यूल को दो बार काउंट कर लो, इसीलिए। नाउ MAA2AB, डैट मीन्स इस दोनों मोनोडेंटेट की जगह दो डिफरेंट अगर मोनोडेंटेट कर दूं तो भी सेम ही रहने वाला, क्यों, क्योंकि हमारे पास पोजीशन ही उतनी है, तो इसलिए इसमें भी आपका GI दो होगा, OI दो होगा और SI तीन ही होगा। तो बेटा जितना इतना बताया ना बस इतना ही ध्यान में रखना है, और आप देख सकते हो आपके लिए OI चेक करना तो बहुत ईजी है, वो जो तीन पॉइंट है उससे बाहर नहीं जाएगा। GI ड्रॉ करने में भी आपको पॉइंट समझाया है कि आप ट्रांसपोजिशन को ब्लॉक कर करके सोचो तो आपको ईजिली बन जाएगा। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर वन की टोटल पॉसिबल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड इज, तो यहाँ पे बच्चे कैसे सोचते हैं, MA2B2, इसलिए GI कितने हो जाएंगे, दो, और ऑप्शन वन टिक करके आ जाते हैं जो कि हो जाएगा गलत, क्योंकि वो ध्यान क्या नहीं देते हैं कि ये जो है वो एम्बीडेंट लिग्वेंड है, और एम्बीडेंट होने की वजह से एक बार दोनों कार्बन डोनर हो सकता है, एक बार दोनों नाइट्रोजन डोनर हो सकता है, और एक बार कार्बन होगा तो नाइट्रोजन या यहाँ नाइट्रोजन होगा तो कार्बन, तो इसलिए एक्चुअल में ध्यान से देखो पॉसिबल पूछा है, तो आपको फिर कैसे थिंक करना पड़ेगा, एम मान लेते हैं अमोनिया का A2, तो ये वाला अगर दोनों कार्बन हुआ तो B2 ऐसा मानो, फिर MA2 दोनों नाइट्रोजन हुआ तो आप डिफरेंट डोनर है तो C2, और फिर अगर ये वाले केस हैं तो MA2 और इसका मान लो कि D तो दूसरा E, तो ऐसा है, तो यहाँ से भी दो होते हैं ये आपको मालूम है, यहाँ से भी दो ही होंगे ये आपको बता रखा हूँ, और यहाँ से भी दो ही होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6, इसलिए ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में, अगर MABCDEF डैट मीन्स 6 के 6 मोनोडेंटेट है और सारे डिफरेंट है तो कितने आइसोमर होंगे, तो ऐसे केस में कैसे थिंक करना, वही सेम कि आप यू नो कि आपका हेक्साडेंटेट है, राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो एक बार ए को फिक्स करो, अब ए के सामने आप क्या क्या ला सकते हो, बी ला सकते हो, CDEF, तो कितने हो गए, 5, वैसे ही एक बार बी को फिक्स करते तो उसके सामने क्या ला सकते थे, CDEF, क्योंकि ए ऑलरेडी आ चुका है, राइट, वैसे ही सी को अगर फिक्स करते तो उसके सामने कौन आता, DEF, तो आप ध्यान से देखो यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, राइट, उसके बाद मैं सी के बाद डी को अगर फिक्स करता उसके सामने EF, तो 2, और ई को करता तो उसके सामने F, तो 1, तो कितने हो गए टोटल, ध्यान से देखो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15, तो 15 तो GI हैं, और चूंकि 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट है तो इसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकता, तो ये सारे GI ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे, तो ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, 15 का डबल, क्यों, क्योंकि वो खुद होंगे उसका मिरर इमेज, तो OI टोटल बोलेगा तो 30, GI बोला तो 15, तो SI ऐसा मत कर देना 45, अभी बताया क्योंकि OI में वो GI ऑलरेडी काउंटेड है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन क्या होगा, B। एंड लास्ट, अगर मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है MAB2A2, तो यहाँ पे ये बाइडेंटेट लिगेंड है, डिफरेंट डोनर है ये ध्यान देना, और उसके नंबर 2 हैं, और ये मोनोडेंटेट है इसके भी नंबर 2 हैं, GI OI SI ये पूछा है, तो देखो बेटा सोचना कैसे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ सोचना कैसे है, तो सोचना यहाँ से, ये देखो मोनोडेंटेट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो क्विकली आप क्या करो, ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये
कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स वाले हेक्साडेंटेट वाले हैं तो आप ड्रॉ कर लो, चाहे एक्स्ट्रा में चाहो तो ड्रॉ कर लो, डेट डजेंट मैटर, आप ड्रॉ कर करके रख लो, राइट इस टाइप से आप ड्रॉ कर करके रख लो। ये मैंने कर लिया। नाउ अब मैं कैसे थिंक कर रहा हूँ, मैं ए को अगर ट्रांस पे रख दूँ एक बार, तो अब मेरे पास ए बी, अब ए बी ऑलवेज 90 पे आएगा, तो ऐसे कर सकता हूँ और ऐसे कर सकता हूँ। ऐसे केस में क्या हुआ कि ए के सामने बी आया, सेम यही स्ट्रक्चर रख करके, डैट मीन्स ए के सामने ए, मैं यहाँ पे ए के सामने ए ला सकता हूँ, और वो कैसे, ध्यान से देखो, इस वाले को इंटरचेंज कर देता हूँ, तो ये एक डिफरेंट हो गया। तो ये मैंने कैसे सोचा, ट्रांस पे ए को मोनोडेंटल लिगेंड को रख करके, ये दो पॉसिबिलिटी, उसके बाद अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। अब फिर हमें ए को कहाँ पे रखना पड़ेगा, सिस पे, तो ए को सिस पे रख दो। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो ए के सामने ए ला सकते हो, तो यहाँ बी भी रखो और ऐसे कनेक्ट करो 90 पे, एक ये हो सकता है। वैसे ही ये तो अभी वहीं पे रखना है, ए के सामने ए लाया, बी के सामने मैं बी ला सकता था, तो अगर ऐसे आपने लिखा तो ये भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। और पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो पहले ए को सीस पे रखो, ए के सामने ए आया, बी के सामने बी, ए के सामने मैं बी ला सकता हूँ, तो यहाँ ए, यहाँ बी और ये। अब इसके अलावा और आप नहीं थिंक कर सकते, ना ही बनेगा, आप देख लो तो सेम ही होगा। तो अब हमसे पूछा गया जी आई, तो जी आई हमने पहले ड्रॉ कर दिया, यही मैं बताना भी चाह रहा था ट्रिक में, तो जी आई कितना हो गया मेरा 5। अब अगर ओ आई चेक करना तो आपको डरना ही नहीं है, कैसे, वेरी सिंपल, इसमें ए के सामने ए तो ओ आई शो नहीं करेगा, ए के सामने ए ओ आई शो नहीं करेगा, क्योंकि बोला था ट्रांस पे अगर सेम लिगेंड आ गया तो सोचना ही नहीं है। यहाँ पे दो रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में हो गया, सोचना ही नहीं है, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। दो रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में ऑप्टिकली एक्टिव, दो रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में ऑप्टिकली एक्टिव। तो तीन ऐसे हैं जी आई वाले, ये तीनों जी आई के पार्ट है, राइट, क्योंकि टोटल जी आई 5, तो ये तीन जी आई वाले ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहे हैं, तो ये खुद होंगे और इसका मिरर इमेज होगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर पूछे तो 6, राइट, ज्योमेट्रिकल तो 5 हो गया, तो ये 6, और स्टीरियो 11 मत कर देना, क्यों, क्योंकि ये तीन जी आई फिर से आपने काउंट कर लिया, क्योंकि ये तीन जी आई ही ओ आई शो कर रहे हैं, तो ये तीन जी आई ओ आई शो कर रहे हैं, तो टोटल 6 इन तीनों से प्लस ये 2, तो कितने हो गए 8। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको स्टीरियो आइसोमर कैसे काउंट करना है, तो जी आई वो वाले जो ओ आई शो नहीं कर रहा हो तो वो लेना है, प्लस वो जी आई जो ओ आई शो कर रहा हो, अगर कोई जी आई ओ आई भी शो कर रहा है तो फिर इसका ओ आई का जितना जी आई शो कर रहा होगा उसका डबल कर देना है, तो सिर्फ बस इतना लेना और प्लस ये करना है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, क्या हमने टोटल जी आई हमारे पास 5 है, उसमें से 2 जी आई ओ आई शो नहीं कर रहे, तो उसको काउंट किया, ये 2 मैंने काउंट किया, और ये 3 जी आई को फिर काउंट नहीं करना है, इसको ऑप्टिकल आइसोमर में ले लिया, वो 6, तो 6 और प्लस 2 कितना हो गया 8, तो ये आपका कंप्लीट हुआ।